कल हमने बेसिक नेटवर्किंग की चीज़ें स्टार्ट कर ली थी, आज का जो मेनली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी उसी से रिलेटेड है। तो आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपने कितने टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में सुना है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क यू हैव लिसन्ड एनीथिंग? वायरलेस नेटवर्क, क्लाइंट टू साइट नेटवर्क, वीपीएन नेटवर्क और कुछ लैन। दीज आर सम टाइप्स ऑफ नेटवर्क। वन इज लैन, मैन, मैन लैन मैन मैन कैन पैन सैन पीपीटी। ये कुछ नेटवर्क्स हैं। दीज आर सम नेटवर्क्स, दीज आर सम नेटवर्क्स एंड दीज नेटवर्क आर यूज टू इस्टैब्लिश लाइक अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए इसे बनाया जाता है, ठीक है ना? पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं अभी फिलहाल इन दोनों नेटवर्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन चारों के नेटवर्क्स की बात कर रहा हूँ। पहले मैं इन चारों नेटवर्क्स के बारे में बात करना चाहूँगा। पहला नेटवर्क है जिसका नाम है मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। हाउ मेनी मेट्रोपोलिटन सिटीज इन इंडिया? कितने महानगर है? चार। आप एनी आइडिया? नो आइडिया। कितने महानगर है इंडिया में? फोर। नो आइडिया, नो आइडिया। हाउ मेनी मेट्रोपोलिटन सिटी इन इंडिया सर? फोर। फोर, नो आइडिया। लास्ट तीन कौन कौन से? बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई। बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई। चार कौन कौन से? कोलकाता। आप बताओ चार कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। यस, देर आर फोर मेट्रोपोलिटन सिटी इन इंडिया। नंबर वन इज दिल्ली, सेकंड वन इज मुंबई, थर्ड वन इज़ कैलकटा, फोर्थ वन इज़ चेन्नई। बस चार ही महानगर है, इससे ज़्यादा नहीं है। सर बैंगलोर इज़ अ आईटी हब सिटी, बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन में नहीं आता। अगर आप इसको चेक भी करना चाहते हो तो जब कभी आप अपने आईपी, ये कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जहाँ पे देते हो वहाँ पे टाइम लिखा होता है नीचे, टाइम लिखा होता है जहाँ वाईफाई के डंडे आते, टाइम लिखा होता है ना वहाँ टाइम, उस पर कभी जाके देखना, उसका टाइम जोन चेक करके देखना, वहाँ पर बाकायदा लिखा होता है न्यू दिल्ली, मुंबई, कैलकटा एंड चेन्नई। चार महानगर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चार महानगरों के अंदर जो नेटवर्किंग की जाती है उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका मतलब पूरी टोटली ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि यू हैव अ ऑर्गेनाइजेशन और उसका एक सेटअप आपका दिल्ली में और उसके कुछ ब्रांच ऑफिसेस कनेक्टेड है डिफरेंट नेटवर्क्स में और आपने अपने उस मेन कंपनी को बाकी ब्रांच ऑफिसेस से कनेक्ट करा रखा है, आइदर वायर आइदर वायरलेस, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, मगर आपकी कनेक्टिविटी है। एक कंपनी के जब मल्टीपल ब्रांच ऑफिस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं जिनका ज्योग्राफिकली एरिया बहुत बड़ा होता है, ये ज्योग्राफिकली मैन देखा जाए ज्योग्राफिकली बढ़िया बड़ा एरिया होता है। इस नेटवर्क को यहाँ इस बिल्डिंग को उस बिल्डिंग से कनेक्ट कर लूँ ये मैन है, ऐसा नहीं होता। ज्योग्राफिकली बढ़िया बड़ा एरिया होता है उसे हम लोग मैन कहते हैं, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। कैन क्या होता है? कैंपस, कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे आप कॉलेज से आए होंगे, आपके कॉलेज के अंदर पर्टिकुलर एक पूरा एस्टैब्लिश कैंपस था, उस कैंपस में मेरे ख्याल से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट चलते होंगे, सीएससी डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि हम मैं दिल्ली की अगर बात करता हूँ तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में एक एरिया जिसका नाम है नॉर्थ कैंपस। उस नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, खालसा कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ये सारे कॉलेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड है तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। जब कभी एग्ज़ाम के डेट की बात आती है तो इंटर कम्युनिकेशन होता है, जब कभी फेस्टिवल्स की बात आती है, मतलब कोई वो करना चाहते हैं इन लोगों, ये लोग क्या नाम है, कोई फेस्ट वगैरह के अंदर। बेटा दरवाज़ा बंद कर देना, आज कोई नया भी ज्वाइन हुआ है क्या हमारे साथ? ये सारे कल वाले ही हैं जब पहले आए थे ना, आज की दूसरी क्लास है आपने, मतलब पहले सैटरडे संडे में थे शायद, थे ना सैटरडे संडे में, तो कब थे? कल आए थे तुम, कल नहीं आए थे ना? पहले कब किया था आपने कोर्स?
वो क्लास ली थी ना आपने उस दिन, संडे वाले दिन शायद, एथिकल हैकिंग वाले उसमें आए थे शायद आप मेरी ख्याल से सुबह। चलो ठीक है, तो क्या होता है नेट कैंपस एरिया नेटवर्क रिप्रेजेंट अ कैंपस वेयर द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट कनेक्ट टुगेदर, तो हम लोग उसे कैंपस का नाम दे देते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद सैंड स्टैंड फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क, या इसको कई लोग सिक्योरिटी एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। मतलब कैसे, मान लो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है और ये जो एक डिवाइस बना हुआ है ना ये स्टोरेज एरिया, तो हमने क्या किया हुआ है इस नेटवर्क की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं, पूरे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो ये एरिया जो है वो अपने आप में कहलाता है सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और सैन अपने आप में डिवाइस भी आता है, ये जो छोटा सा डिवाइस आप देख रहे हो ना एक सैन की कैटेगरी है। आज के डेट में सैन बहुत बड़े बड़े डिवाइस आते हैं जिन पे पूरे कंपनी का डेटा सेव होता है, इसलिए उसे कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। और उसे सिक्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी उसको सिक्योरिटी एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी एरिया नेटवर्क का मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती है, क्योंकि डेटा ही तो सब कुछ है और कल को किसी ने डेटा लॉस कर दिया, चुरा लिया, कुछ भी कर लिया, तो भाई साहब कंपनी मेरी काम से रैनसम वेयर आ जाता है। आपने एक अटैक सुना होगा रैनसम वेयर एक ऐसा अटैक होता है जो डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और फिर उसे वापस तुम्हें चाहिए तो क्या करो, तो बिटकॉइंस देने पड़ते हैं आपको, रैनसम देनी पड़ती है, बिना रैनसम के वो नहीं। बहुत हुआ था सर, एक नहीं बहुत हो चुके हैं, अब लोगों की नज़र में अब आना शुरू हो रहे हैं ना, ये चीज़ें पहले भी होती थी। तो स्टोरेज एंड सिक्योरिटी एरिया नेटवर्क का मेन पर्पस ये होता है कि अपने डेटा को आप प्रोटेक्ट और स्टोर करके रखो। देन नेक्स्ट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल मतलब आप जब कभी मोबाइल हैंड फ्री कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टिविटी होती है ना, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टिविटी करते हो आप, तो क्या होता है वो एक तरह का, वो भी एक नेटवर्किंग ही है क्योंकि डिवाइस से कम्युनिकेशन चल रहा है आपका, तो वो क्या है, वो भी एक नेटवर्किंग है, मगर ना वो नेटवर्किंग लिमिटेड है, पर्सनल है। पर्सनल का मतलब होता है लिमिटेड एरिया नेटवर्क। पर जितने भी मैंने आपको ये नेटवर्क्स बताए हैं ना, दीज नेटवर्क्स आर आपको कहोगे सर क्या बात करते हो, अभी तो आपने बोला सैन फिजिकल डिवाइस है, एक सिटी अपने आप में फिजिकल होती है, कैंपस एक बार फिजिकल होता है। सर ब्लूटूथ तो मैं अपने हाथ से दबा दबा के कनेक्टिविटी कराता हूँ, फिजिकल है सर वो तो, पर आप क्यों बोल रहे हो इसे लॉजिकल, मैं समझाऊंगा आप, मैं इसको लॉजिकल क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा। पहले मुझे लैन के बारे में बताओ, लैन क्या है, ये मत बोलना सर लोकल एरिया नेटवर्क, मुझे पता है सारे यही बोलते हैं, पर लैन है क्या, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लैन। जो लैन के बारे में पढ़ा था वो ये है कि लाइक एक बिल्डिंग के अंदर ही जो नेटवर्क होते हैं लोकल, नॉर्मली हम लोग यही पढ़ते हैं, विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ ऑफिस, विद इन अ स्कूल, विद इन अ कॉलेज, विद इन अ कैंपस, विद इन अ एरिया, विद इन अ एरिया, दैट इज नोन एज लैन। लैंड मतलब लिमिटेड एरिया, विद इन लैंड्स बीन एस्टैब्लिश देयर लैंड, बताऊंगा आपको उसके बारे में बात करनी होगी आज। तो जब कभी एक लिमिटेड एरिया की बात आती है जिसकी लिमिटेशंस होती है वो लैंड कहलाता है, जैसे विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ ऑफिस, विद इन अ ये दिस, ये पूरा का पूरा एक्ट्रॉन अपने आप में लैंड है। और वैन क्या होता है, वैन मतलब वाइड, जो थोड़ा बड़ा आ जाता है, जैसे ये नोएडा के सेंटर को मैं गुड़गांव के सेंटर से कनेक्ट कर दूँ तो एक वैन आ जाता है। तो लैंड की लिमिटेशंस कहाँ तक होगी, एनी आइडिया, लैंड 100 मीटर वो कहते हैं एक सिटी तक, और कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। अंटिल बी कनेक्टेड इनटू द क्लाउड, क्लाउड से पहले लैंड, तो क्लाउड से पहले लैंड कितना, एनी गेसेस, किसी ने 100 बोला, किसी ने विद इन अ सिटी बोला, जितना वाईफाई भी चलता है उसे डब्ल्यू लैंड कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप आज की डेट में ना वाईफाई के डिवाइसेस लगा के भी उसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, पॉसिबल है। लोगों को थोड़ी गलतफहमी होती है कि सर जितना वायर तक होगा वो लैन होता है, वायर के बाद वाला होगा वो वैन हो जाता है, वायर के बाद भी वो लैन बन सकता है, आप उसे डब्ल्यू लैन बोलोगे। एक डब्ल्यू वैन होता है, एक डब्ल्यू लैन होता है, दोनों के आगे बस डब्ल्यू लग जाता है, एक तार वाला एक बेतार वाला। लैन एक्चुअली में क्या मतलब होता है, हम लोग लैन को कहते हैं सर विद इन अ सिटी, विद इन अ ऑफिस, विद इन अ स्कूल, ऐसा कुछ बोलते हैं, 100 मीटर बोल देते हैं, पर आपको ढंग से समझाता हूँ लैन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ये मेरी एक कंपनी
जो कि दिल्ली में स्टैब्लिश है, ये मेरा ब्रांच ऑफिस है जो नोएडा में स्टैब्लिश है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक तार खींची, एक खंभा लगाया, उस खंभे पे एक डिवाइस लगाया जिसका नाम है रिपीटर, जो कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई द सिग्नल्स। और मैंने नोएडा तक कनेक्टिविटी कर ली, मैंने उसकी कनेक्टिविटी नोएडा तक कर ली, दिल्ली तक, नोएडा तक, नोएडा की कनेक्टिविटी, या इसी को दूसरे वे में समझो, ये खंभे लगे हुए हैं, इस पर वायरलेस डिवाइसेस लगे हुए हैं, ये वायरलेस पहले इससे कनेक्टेड है, फिर ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, फिर इससे कनेक्टेड है, तो चाहे वायर हो चाहे वाईफाई हो, अब टेंशन मत लो उस चीज़ की, पर मैंने ये एस्टैब्लिश करा है, तो इसे लैंड हो गए या वैल, इसे लैंड क्यों, अभी तो आप 100 मीटर तक कह रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हो इसे लैंड, अभी तो आप 100 मीटर कह रहे थे ना, अब दो सिटी आ गई आपस में, दिल्ली अलग सिटी है और नोएडा अलग सिटी है, नोएडा यूपी के अंदर आता है, दिल्ली दिल्ली में आता है, इन दो सिटियों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तुम उसे लैंड कह रहे हो, हाउ इट पॉसिबल, बट वो एक ही बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कनेक्ट हो रहा है ना, और कोई तो उसे एक्सेस नहीं कर सकता, योर एक्सेस नहीं कर सकता, बिल्कुल, ये अपने आप में एक इंट्रा नेटवर्क है, इंट्रा होता है विद इन अ नेटवर्क, इंट्रा मतलब विद इन अ नेटवर्क, जो सिर्फ आपके बीच में होता है, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है, इंट्रा है तो इसे लैंड कर दूँ, भाई लिमिटेशन से तो पार निकल गया, ओवर द लिमिट तो चला गया ना, आप तो सिटी कह रहे थे, आप 100 मीटर कह रहे थे, मैं तो उसको बियॉन्ड ले गया, आपके इमेजिनेशन से बियॉन्ड ले गया, यस दैट इज़ अ लैंड, दैट इज़ अ लैंड, पर सबसे पहली बात ज़मीन मैंने बात की तो है नहीं, तो मुझे कोई भी खंभा लगाने दे देगा भाई, तो पहले तो मुझे खंभे के पैसे देने पड़ेंगे, और उसके बाद नोएडा टू दिल्ली सेफ सिटी नहीं है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे स्मैकी हैं, चर्सी है, होंगे भाई जो डिवाइस चुरा लेंगे, उनको क्या चाहिए, इंजेक्शन चाहिए होता है, तो दिल्ली में तो है बुरा हाल, आजादपुर साइड निकल रहा तो तुम्हें बहुत सारे दिख जाएंगे ऐसे लोग, तो क्या करें, एक हर खंभे से गार्ड बिठा दो, अब आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, किसी को कोई भी चीज़ ख़राब हो गई तो मुझे जाके ठीक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जितना तो बनाने में पैसा लगा, इसको मैनेज करने में पैसा लगा, उतने इसकी मेंटेनेंस में पैसा लगेगा, सर पकड़ के बैठ जाऊँगा भाई सर, तो ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरा दोस्त आया, कहता भाई क्या हो गया, तेरा कौन सा चार्ट डूब गया, मैंने कहा यार समझ नहीं आया यार, दिल्ली से लेकर नोएडा नेटवर्क बिछा दिया जा, साला कम्युनिकेशन अच्छा चल ही नहीं रहा, कह रहा तू बावड़ी पूछे क्या, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, कह रहा दिल्ली से नोएडा तक अपना खुद का नेटवर्क स्टैब्लिश करना, साले तेरा बाप के पास तेरे पास फालतू पैसा है क्या, मैंने कहा तू सोल्यूशन दे दे, तू इतना बोल रहा है तो तू कोई सोल्यूशन दे दे, कह रहा है ना, कह रहा क्या, मैंने कहा क्या, कह रहा ये बंदा है ना ISP, इन्होंने पहले से अपना नेटवर्क स्टैब्लिश किया हुआ, एक कनेक्शन दिल्ली में ले ले, एक कनेक्शन नोएडा में ले, अब वाया इनके थ्रू कम्युनिकेशन करा, बहुत चीप पड़ेगा तेरे को, बहुत सस्ता पड़ेगा, तेरे को टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं, आंधी तूफान है, सब कुछ सरदर्दी इनकी, वो जितना पैसा लगा रहा था उससे मतलब 100 गुना कम उससे दे दे, 100% रिड्यूस हो जाएगा तेरा पैसा, बहुत कम पैसा देना पड़ेगा, और जरूरी नहीं दोनों तरफ सेम ISP ले ले, इधर कोई और ISP ले ले, इधर कोई और ISP ले ले, ऐसे मैंडेटरी नहीं है, सेम ही लेने हैं, तो सेम लेने का थोड़ा अच्छा रहता, नहीं लेगा तो कोई टेंशन नहीं, तो ये क्या होता है, ये होता है वैन। अब आपको एक्चुअल डेफिनेशन समझाता हूँ लैन और वैन की, कभी मत भूलना इस चीज़ को, क्योंकि हम लोगों ने बुकिश लैंग्वेज पढ़ी हुई है, बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा होता था, विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ ऑफिस, विद इन अ स्कूल, लैन होता है, पर एक्चुअल में लैन समझाता हूँ आपको, लैन मीन्स होता है When you are use your own equipment, your own devices to connect or maybe establish a connection between the networks, and you can use only your devices, your system, that is LAN. जब कभी आप अपने दो या दो से ज़्यादा networks को अपने through, अपने devices के through, अपने equipment के through communicate कराते हो तो LAN कहलाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक K2K, रिलायंस वालों ने अपनी खुद की फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा दी, सबमरीन केबल बिछा दी है उसमें, तो रिलायंस के लिए ये नेटवर्क क्या है, लैन है, क्योंकि भाई साहब उसने खुद बिछाई है, धीरू भाई अंबानी के बच्चे हैं, तो
भाई, एक तो धीरू भाई अंबानी के बच्चे और दूसरा मोदी जी का, सॉरी कमल, वो भी सपोर्ट कर रहा है उनको, तभी तो बिछा पाए हैं वो, तभी तो इस्टेब्लिश कर पाए इतना बड़ा नेटवर्क आज की डेट में, जियो फाइबर जियो फाइबर जियो फाइबर, इस वजह से तो कर पाए कि उन्होंने बिछा दिया नेटवर्क अपना। तो इससे बेनिफिट क्या मिला देख लो, आज की डेट में रिलायंस एक बहुत अच्छा ISP निकल के आ रहा है, आने वाले टाइम पे तुम्हें ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी देने वाला है। इवन हमारे एरिया में भी हो चुका है, फाइबर फाइबर बिछा दी उसने, बहुत अच्छी बात है, लग गए। देख लो आज की डेट में कितना सस्ता नेटवर्क आपको प्रोवाइड करे, पर वो रिलायंस के लिए लैन है, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो उसके लिए बैन हो जाएगा, और हमारे लिए तो बैन है ही है भाई साहब। ये मेरे पॉइंट है, सॉरी। हां नॉट एन इशू, कोई इशू नहीं। ISP जो अपने नीचे लिखा है उन्होंने जितना भी उनके लिए तो लाइन, उनके लिए तो लाइन ही है, बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ, रिलायंस के लिए लाइन है, क्योंकि रिलायंस ने एफर्ट लगा के ना अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करा है, ताकि वो अपने रिसोर्सेज और सर्विसेज को खुद यूज ना करें, उसे बेचें, उसे रेंट पे दें, जैसे आप लोग बोलते हो लीज लाइन, लीज लाइन किराए पे ली हुई लाइन, या ब्रॉडबैंड कनेक्शन। किस आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसका ब्रॉडबैंड खुद का है? ब्रॉडबैंड खुद का नहीं है सर आपका, फिर भी ब्रॉडबैंड आपका खुद का नहीं होगा सर, फिर भी चार ली नहीं मान लो रिलायंस का ले लेना, पर ब्रॉडबैंड आप अपना नहीं कह सकते, वो ब्रॉडबैंड किसका है? रिलायंस का है। ब्रॉडबैंड किसका है? एयरटेल का है। ब्रॉडबैंड किसका है? MTNL का है। ब्रॉडबैंड किसका? VSNL का है। ब्रॉडबैंड किसका? ट्राइडेंट का है। ब्रॉडबैंड किसका है? मैक्स्टर का है। ब्रॉडबैंड किसका? सिटी का है। ब्रॉडबैंड किसका है? डेन का है। इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर बैठे हैं आज की डेट में, पर ये लोग भी खुद थोड़ी यूज़ करते हैं, खुद ने थोड़ी तारें बिछाई हुई हैं, इनके पीछे कौन है? एयरटेल, एयरटेल का बहुत बड़ा हाथ है नेटवर्किंग करने में, रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ है नेटवर्किंग करने में, इन्होंने भाई साहब इनके पास पैसा है, इन्होंने बिछा रखा है पूरा नेटवर्क, इस्टेब्लिश कर रखा है। तो लैन मतलब जब आप अपने खुद के इक्विपमेंट खुद के रिसोर्सेज यूज़ करके नेटवर्क स्टैब्लिश करते हो उसे लैन कहते हैं, और वैन का मतलब क्या होता है? वैन यू यूज़ द थर्ड पार्टी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, वैन यू यूज़ द थर्ड पार्टी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू स्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन योर नेटवर्क्स, दैट इज़ वैन। मतलब जब आप किसी थर्ड पार्टी की सर्विसेज एंड रिसोर्सेज यूज़ करके अपना नेटवर्क स्टैब्लिश करते हो ना, जब आप किसी थर्ड पार्टी के नेटवर्किंग यूज़ करके रिसोर्सेज यूज़ करके अपना खुद का नेटवर्क स्टैब्लिश करते हो तो वो वैन कहलाता है। तो अब जरा ध्यान से समझना, ये समझ आ गया लैन और वैन समझ आ गया आपको? इसलिए तो मैं इनको दोनों को बोलता हूँ। इसलिए मैं इन्हें फिजिकल नेटवर्क बोलता हूँ। व्हाई वी आर कॉल फिजिकल नेटवर्क? क्योंकि यस हम इसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं, इसे बना सकते हैं। पर अब जरा यहाँ से ध्यान, यहाँ ध्यान से बनना। मैंने क्या बोला था? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी के अंदर क्या है? लैंड। दूसरी सिटी के अंदर क्या है? लैंड। उसे हम लोग दोनों को जोड़ किसके थ्रू रहे हैं? वैन। पर हम बोल क्या रहे हैं? मैन। बोल मैन रहे हैं। एक कॉलेज के अंदर नेटवर्किंग होती है उसे कहते हैं लैंड, दूसरे कॉलेज के अंदर नेटवर्किंग होती है उसे कहते हैं लैंड, क्योंकि उनका इंट्रा इंट्रा और बीच में ले आते हैं इंटर, मतलब वैन को, थर्ड पार्टी को, और वाया थर्ड पार्टी के थ्रू हम कनेक्टिविटी करा रहे हैं। तो लैन कनेक्ट विद वैन टू कम्युनिकेट बिटवीन द लैन। पर हम उसको कहते क्या? कैंपस एरिया नेटवर्क। तो समझ आया? हर किसी नेटवर्क के पीछे या तो लैन होगा या वैन होगा। बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। बोलने के लिए आप क्या नाम था तेरा भाई? सुंदर। आपका नाम क्या था? आदित्यराज। आदित्यराज, अब मान लो एक नेटवर्क और बताता हूँ मैं। AAN, इसका ये नेटवर्क का नाम है आदित्यराज एरिया नेटवर्क। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? आदित्य ने हमें घर पे इनवाइट किया, अभी तो इसने किया नहीं है, जिस दिन करेगा हम चलेंगे इससे घर पे। तो आदित्य ने हमें घर पे इनवाइट किया, कह रहा सर कम माई एन। मैंने कहा यार लैन सुना है, वैन सुना है, मैन सुना है, ये एन क्या हो गया? कह रहा सर आदित्य एरिया नेटवर्क। कुछ समझ नहीं आया भाई, समझा जरा। कह रहा सर, उसने दिखाया कि एक डिवाइस लगा हुआ था जिसका नाम था स्विच, उस स्विच के साथ चार PC जुड़े हुए थे। कह रहा सर ये स्विच किसका? मैंने कहा आदित्य तेरा। सर ये PC किसके? मैंने कहा आदित्य तेरे। सर इनमें नेटवर्किंग किसने करी? मैंने कहा आदित्य तुमने करी। तो सर ये नेटवर्क किसका हुआ? मैंने कहा आदित्य तुम्हारा हुआ। ओहो, इसलिए आदित्य एरिया नेटवर्क। मतलब लॉजिकली इसे कह रहा है आदित्य एरिया नेटवर्क, पर जब मैंने इसे फिजिकली चेक किया तो स्विच लगा हुआ था, स्विच के चार PC कनेक्टेड थे। तो क्या था?
लैंड लैंड लैंड। फिर आदित्य ने बताया कि सर ये देखो ये इंटरनेट की वायर आ रही है, ये इंटरनेट की वायर मैंने स्विच में लगा दी, अब इन चारों में इंटरनेट भी चल रहा है, लैंड प्लस वैन। पर ये अभी भी इतरा के क्या कह रहा है, आदित्य एरिया नेटवर्क। सब बोलने में कुछ नहीं जा रहा, आपको रियलिस्टिक चीज़ें समझनी है, प्रैक्टिकली समझना है आपको, प्रैक्टिकली उसके पीछे चल क्या रहा है, ताकि आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें। अब उसी चीज़ को ये हटा दे, वायर से हटा दे, कह जी एक्सिस पॉइंट लगा रखा है भाई, दो एंटीने वाला नहीं होता, वो लगाओ पीछे लगाओ, है वो लगा रखा है मैंने, अब उनके थ्रू सब में कनेक्टिविटी चल रही है, तो क्या है ये वायरलेस लैन है, ये वायरलेस लैन है, इसमें वही इंटरनेट की तार आ गई, इंटरनेट की तार आ गई, फिर चारों में इंटरनेट चल रहा है, तो लैन प्लस वैन है, मगर ये कहेगा क्या आदित्य एरिया नेटवर्क। तो भाई साहब लॉजिकली आप कुछ भी बोलो, आपको हमेशा ये चेक करना है कि सामने वाले का आर्किटेक्चर कैसा है, उस आर्किटेक्चर के बिहाफ पर आप बोलोगे कि वो लैन है या वैन है। पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वैन नेवर पॉसिबल विदाउट लैन। भाई जब तक लैन नहीं होगा तो वैन तभी तो यूज़ करोगे, वरना वैन का क्या फ़ायदा सर, वैन बिछा के बैठ जाओ, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करने वाले ही नहीं है तो वैन का क्या चार डालोगे। इसलिए भाई साहब वैन नेवर पॉसिबल विदाउट लैन, या सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, अब क्या करते हो, जब घर में केबल टीवी था, पुराने टाइम की बात करूँगा, हम लोग एक ही उम्र के हैं, तो हमारे टाइम पे सर जब केबल होता था हम क्या करते थे, हम केबल वाले को फ़ोन करते थे कि भैया घर पे केबल लगा दे, वो केबल वाला आता था, बाहर डब्बी लगी होती थी उससे एक वायर हमारे घर में लगा देता था, या हम कंधे पर तार रख के जाते थे, साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रे, एक एक तार फेंकते थे, फिर दूसरी जगह से तार फेंकते थे, फिर तीसरी जगह से तार फेंकते थे, फिर चौथी जगह पे जाने के बाद हम उसके एड ऑफिस में जाके उसके वहाँ कनेक्शन कर देते थे, ऐसा करते थे हम, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, ये हमारा केबल वाला करता है, केबल वाला पहले से ही वो नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लेता है, और हम उसे बस फ़ोन करके कहते हैं हमें सर्विसेज दे दो, उसकी जगह पैसे ले लें। तो ये बात एक बात इसके अंदर है, वैन के अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि वैन मीन्स डिपेंडेंसी, वैन मीन्स डिपेंडेंसी। अब हमारे बेचारे इस नेटवर्क की, इस नेटवर्क की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच दूसरा बड़ा फेस्टिवल है इंडिया में। हाँ जी मुकेश जी नमस्कार, नमस्कार, वही 7:30 तो मैं नोएडा में हूँ। हाँ सर, हाँ मैं भी डबल ही कर वही कर रहा होता तो मैं सुबह दोपहर भी निकल जाता, चक्कर ये लिए ओके सर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तो बेसिकली यही वाली बात इंपॉर्टेंट है कि आपको सिनेरियो देखना पड़ता है पीछे क्या है। तो क्या होता है कि दुनिया मतलब इंडिया में दूसरा बड़ा फेस्टिवल इंडिया पाकिस्तान के मैच को बोलते हैं, पहला दिवाली, सन्नाटा छा जाता भाई साहब है। देखो तुम्हारे घर पे केबल लगा हुआ है, उस दिन तुम्हारे घर का केबल ना आए, तुम्हारे घर का केबल ना आए क्या करोगे साले, गली में मत घुस जाइयो, पैसे मांगने मत आ जाइयो, तेरे पैर काट दूंगा साले, पूरा मैच निकाल दिया तूने मेरा। क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो उस पर्सन को, बिकॉज यू पेड एंड यू वांट द सर्विस। अब पहले क्या था, पहले सरदर्दी किसकी थी, मेरी, साला मुझे ठीक करने जाना पड़ रहा था, मुझे सब कुछ करना पड़ रहा था, अब ऐसा नहीं है, अब तो मैं पे कर रहा हूँ उस चीज के लिए, तो मैं सर्विसेज लूंगा। पर भाई साहब डिपेंडेंसी है, आपको वो बेचारा जैसा भी है आपको यूज करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, या तो खुद का इंटरनेट बिछाओ। हम तभी तो प्लान चेंज क्यों करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर अच्छा नहीं है दूसरा अच्छा है, इसलिए तो करते हैं। हमारी वजह क्या होती है ये चीज़ें करने की, वजह यही तो होती है कि हम एक नेटवर्क को छोड़ के दूसरे नेटवर्क उसको कंट्रोल करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कहाँ रह गए राहुल, अरे मुझे पता नहीं तो तुम्हारी क्या सी सी एन ए की भी क्लासेस है क्या? हाँ। सिक्योर... मुझे ब्रशअप करना था तो मैं बोला दोनों कर लेता हूँ। अच्छा सिक्योरिटी भी है? हाँ सिक्योरिटी भी करता हूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात। तो बेसिकली लैंड मीन्स व्हेन यू आर यूज योर ओन इक्विपमेंट योर ओन डिवाइसेस टू एस्टैब्लिश योर नेटवर्क, दैट इज नोन एज लैंड, एंड व्हेन यू यूज द थर्ड पार्टी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज दैट इज वैन, दैट इज वैन। और यही दो मेन नेटवर्क्स होते हैं, बाकी सब तो इसकी परछाई है।
मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब क्या है, एक सिटी के अंदर लैन है, दूसरी सिटी के अंदर लैन है, आईएसपी के थ्रू उस पर कम्युनिकेट करा रहे हो तो लैन प्लस वैन हो गया, मगर लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो कहने के लिए कुछ भी बोल सकता है जी, पर आपको हमेशा ये चेक करना, प्रैक्टिकली चेक करो उसे, मैं तो ये साफ बोलता हूँ भाई। आप टेक्निकली पढ़ो, बुक में मत पढ़ो, बुक पे मत जाओ भाई साहब, बुक में बहुत कुछ लिखा होता है, जब रियलिस्टिक पे काम करने जाओगे ना, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा तुम्हें, बुक में तो बहुत कुछ लिखा होगा, पर आपको अपना दिमाग लगाना। तो समझ आया, लैंड और वैन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बहुत बेसिक चीज़ है ये, मतलब that person which is used to provide us the services to connect the different types of network, that is ISP, जो हमारे को ऐसी services provide करता है जिसकी वजह से हम अपनी अपनी within the network की information को beyond the network लेके चले जाते हैं। मतलब I would like to access my remote network, that time I need a service, a special kind of services which is used to connect me to the remote network, and that service provided by the ISP, internet service provider। जरूरी नहीं होता है ये हमेशा इंटरनेट ही दे, कई लोग कहते हैं सर इंटरनेट के लिए काम आता है, ना 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 ना, गलत फहमी है आप लोगों की, ये बहुत सारी और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक अ VPN, सर ये VPN भी प्रोवाइड करता है, जो इन्होंने अभी बोला था ना VPN एक नेटवर्क बनता है, वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वो अलग है, उसकी सर्विसेज भी देता है ये। लीज लाइन जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, उस लीज लाइन में इंटरनेट चलता है, इंटरनेट नहीं चलता है, वो एक एक तुम्हें सोर्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। अभी जो आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वो शेयर नेटवर्क है, शेयर, अभी घर पे जो बैंडविड्थ आती है ना 5 Mbps का, 20 Mbps का, 50 Mbps का प्लान ले रखा आप लोगों ने, 50 पूरी आती है, शेयर हो के आती है, शेयर हो के आती है, नहीं आती है वो भाई साहब, उसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों मिक्स होता है, डिवाइडेड बाई 8 ये होता है, हर फंडा ऐसा ही है, तो उसकी वजह से वो शेयर हो के आते हैं। पर लीज लाइन डेडिकेटेड लाइन होती है, जो स्पीड आपको बोली गई है ना लीज लाइन की, वो आएगी आएगी, चाहे किसी भी हालत प्रोजेक्ट चल, लीज लाइन का मतलब यही होता है, डेडिकेटेड लाइन, इसलिए उसका बहुत फायदे हैं, उसके एडवांटेजेस बहुत हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बहुत डिसएडवांटेज भी हैं, आपके चांसेस बहुत होते हैं हैक होने के। लीज लाइन में सिर्फ कौन होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, और कोई तीसरा बंदा होता ही नहीं है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हेलो रिगार्डिंग बताइए मैम, किसकी बात करें आप मैम, मॉडर्न। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप सर्विसेज किस तरह की यूज़ कर रहे हो, दैट इज लैन एंड वैन। इसलिए कभी भी कोई भी आपसे पूछे ना हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो आप बताओ फिजिकली तो सब दो ही होते हैं, लैन और वैन, लॉजिकली आप जितने मर्जी बना लो, यहाँ सुरेंद्र एरिया नेटवर्क बना लो, हैं क्या नाम है तेरा भाई, वीरेंद्र, मतलब वीरेंद्र एरिया नेटवर्क, वैन आ गया, लो जी वीरेंद्र एरिया नेटवर्क, और राहुल बैठा हुआ पीछे, राहुल एरिया नेटवर्क, तो बैठे हुए हम सब लोग बैठे हुए हैं, उसमें क्या टेंशन है, जो मर्जी बना लो, इसके आगे और नेटवर्क लगा लो, ये लो जी वायरलेस वीरेंद्र एरिया नेटवर्क, वायरलेस राहुल एरिया नेटवर्क, यार वो कोई अलग, वो अलग चीज़ है, इसका मतलब बस यही है कि आपने टेक्नोलॉजी घुमा दी, कहाँ आप तार बिछा रहे थे, कहाँ आप वायरलेस यूज़ कर ली, पर कॉन्सेप्ट तो लेनी है, मॉडम तुम्हें खरीद के लाए हो वायरलेस वाला, मैंने तो लिया खुद ही बनाया, पीसी भी तुम्हारे, तुमने उसे कन्फिगर भी खुद ही किया, वो तुम्हारा डब्ल्यू लाइन हो गया ना, तो बोल ले वायरलेस वीरेंद्र एरिया नेटवर्क, बोल ले मैं कर रहा, मैं तो मना नहीं कर रहा, पर है तो वो लाइन ही, पर ये बात है कि बेतार है, बेतार इरेज कर दूँ, समझ आ गया, कोई दिक्कत कोई डाउट। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है टोपोलॉजी, ये जरूर पढ़ना होता है नेटवर्किंग में, अगर कोई चीज ना समझ आए प्लीज 10 बारी 20 बारी पूछा करो, आपका हक है, पैसे दिए आप लोगों ने, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट है टोपोलॉजी, क्या मतलब टोपोलॉजी, yes tell me what do you know about the topology, designing of the LAN network, this is that is topology। अच्छा और कुछ कोई और कुछ बताना चाहता है, yes शांत ना रहें, जल्दी बताएं ताकि फिर मैं बताना शुरू करूं। एनीथिंग एल्स, बीटेक स्टूडेंट्स हो आप लोग भाई, टोपोलॉजी नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता।
यस बताओ। हाँ भाई बोल हैकर। सर जैसा इन्होंने बोला बस ये है कि वो लैन जरूरी नहीं है कि लैन पे ही काम करे, वैन पे भी हो सकता है। भाई विदाउट लैन तो वैन होता ही नहीं है, तो लैन तो है ही है। टोपोलॉजी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क, मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क। टोपोलॉजी इज अ लॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। एक्चुअल में देखा जाए टोपोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर ही तो है। ये क्या बनी हुई है आपके सामने टोपोलॉजी, ये सब कुछ क्या बना हुआ है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी इज अ लॉजिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क, मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी वी हैव? हम लोगों के पास कितनी तरह की टोपोलॉजी है? पाँच। और कुछ? और कुछ? और कुछ टोपोलॉजी? जल्दी हरी अब फटाफट बताओ। हेलो यस हाउ मेनी टोपोलॉजीज राहुल? देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, खत्म। फिजिकल एंड लॉजिकल। लॉजिकल टोपोलॉजी मीन्स हाउ योर डेटा ट्रेवल सोर्स टू डेस्टिनेशन, दैट इज अ लॉजिकल थिंग। हर टोपोलॉजी में आपको ये मिलेगा, चाहे वायर में जाए चाहे वायरलेस में जाए, दैट इज अ लॉजिकल थिंग। और यही होता है, आप कोई भी टोपोलॉजी बना लो, बस, स्टार, मैश, रिंग, हाइब्रिड, सब में क्या होता है? डेटा फ्लो। तो डेटा फ्लो क्या है? लॉजिकल थिंग। क्योंकि क्या आप डेटा को पकड़ लेते हो, डेटा रुक जा अभी मत जाइए रुक जा, ऐसे कर लेते हो? यू नेवर, बिकॉज दिस दैट इज अ लॉजिकल थिंग, डेटा का फ्लो। डेटा का फ्लो और क्या चीज़ होती है? दो ही चीज़ होती है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में जो डेटा फ्लो होता है वो लॉजिकल थिंग होता है, तो यू कैन नॉट टच इट। तो दैट इज अ लॉजिकल टोपोलॉजी। बट हाउ यू एस्टैब्लिश, हाउ यू मैनेजमेंट, हाउ यू अरेंजमेंट ऑफ योर नेटवर्क डिवाइसिस, योर नेटवर्किंग, दैट इज फिजिकल थिंग। इट में बी बस, इट में बी रिंग, इट में बी मैच, इट में बी हाइब्रिड, जो आप बोल रहे थे, पाँच या छः बोल रहे थे ना आप, जो वो फिजिकल की टाइप वो है, कैटेगरी है, वो फिजिकल का टाइप है भाई, दैट इज अ फिजिकल टोपोलॉजी। उसे कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी आप जो बता रहे थे। तो फिजिकल टोपोलॉजी की कैटेगरीज होती है, तो उनमें पहली टोपोलॉजी कौन सी आती है? सबसे पहले इस टोपोलॉजी का नाम लिया जाता है। इसमें क्या होता है? एक बैकबोन केबल होती है, एक टी कनेक्टर होता है। टी सभी कंप्यूटर, सभी पीसीस इस टी कनेक्टर से जुड़े होते हैं। और सभी इन्हीं से कम्युनिकेट करते हैं। और शुरू में और आखिरी में एक डिवाइस लगा होता है जिसका नाम होता है टर्मिनेटर। और इन कनेक्टर्स जो कि कंप्यूटर को जोड़ते हैं उनका नाम होता है बी एंड सी। और इस केबल का नाम होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल मतलब जो केबल टी वाले केबल यूज करते हैं ना, उस केबल का नाम होता है कोएक्सियल। और जो तुम्हारे आज की डेट में केबल में सेट टॉप बॉक्स में जो पॉइंट लगता है, पहले दूसरा आता था सॉकेट वाला, पीछे सॉकेट लगता था, उसे कहते थे बीएनसी, ब्रिटिश नोवल कनेक्टर। बीएनसी ब्रिटिश नोवल कनेक्टर। समझे? तो कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, बीएनसी, टी कनेक्टर और टर्मिनेटर, ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी टोपोलॉजी के अंदर। बस टोपोलॉजी के अंदर मेन इन्हीं चार चीज़ों का बड़ा 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 फंडा है, ठीक है जी। तो मैं समझाता हूँ आपको ये क्या टोपोलॉजी है, ठीक है ना। लिखने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, मैं दूंगा ये चीज़, तो ये चीज़ तो मैं दूंगा, ठीक है ना। तो देर इज़ अ बैकबोन केबल इन अ बस टोपोलॉजी। मतलब बस का क्या होता है? बस में आपने देखा चार पहियों पर चलते हैं,
बेस बना होता है उसके ऊपर, उस पहियों के ऊपर, और सारे लोग उसी पे बैठे, तो ये क्या बेस? तो यहाँ पे बेस, बेस क्या है यहाँ पे, बैकबोन क्या है? केबल, उसका नाम है कोएक्सियल केबल, ठीक है जी, कोएक्सियल केबल। दूसरा, अब कोएक्सियल केबल में सभी लोगों को एक साथ कनेक्ट करना है, तो कौन यूज़ करे, कैसी चीज़ यूज़ करे? तार यहाँ से आई, यहाँ पीसी में लग गई, फिर आगे बढ़ गई, तो इसलिए वो कनेक्टर का नाम है टी, उस कनेक्टर का नाम है टी कनेक्टर, क्योंकि टी शेप है, टी उल्टी वाली शेप है, ये उल्टी वाली शेप है, ऐसे 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 है और फिर ऐसे है, तो उल्टा टी है, तो सीधा करोगे तो टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से वायर आती है, यहाँ कनेक्ट हो जाती है, वायर आगे निकल जाती है। BNC ब्रिटिश नोबल कनेक्टर इसकी हेल्प करता है, जो PC में लगती है। PC में ना एक पाइप, लैंड कार्ड आता था, लैंड का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो उसमें ना एक पाइप निकला होता था, पाइप, उस पाइप पे ये कनेक्टर लगता था, टी कनेक्टर उस पाइप पे लगता था। जैसे हमारे टाइम पे केबल कनेक्ट करने के, या एंटीना कनेक्ट करने के लिए पापा जी छत पे भेज देते थे, एंटीना घुमा बेटा, तो उस टाइम पे जो टीवी के पीछे तार लगती थी उसमें भी एक पाइप निकला होता था छोटा, हम उसके अंदर सॉकेट लगाते थे। आजकल तो दूसरा आ गया है, आजकल तो पिन वाला आ गया, तो आजकल पिन डाल देते हैं, चूड़ी कस देते हैं आजकल, तो वो भी एक तरह का BNC ही है, ब्रिटिश नोबल कनेक्टर उसे बोला जाता है। और वो एक केबल यूज़ करते हैं कोएक्सियल, जो केबल टी वाले यूज़ करते हैं ना कोएक्सियल केबल, वो केबल यूज़ किया जाता है। और लास्ट में या फर्स्ट में दोनों एंड पे एक टर्मिनेटर लगाया जाता है, इस टर्मिनेटर की रजिस्टर वैल्यू होती है 50 ओम, सर ये इलेक्ट्रॉनिक टर्म है, ओम इलेक्ट्रॉनिक का कौन है, हाँ तो बता दे भाई ओम का मतलब क्या होता है। एक एक फ्रिक्वेंसी जिसके बिहाफ पर वो कैपेबिलिटी रखता है किसी भी डेटा को टर्मिनेट करने की, क्योंकि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी डाली गई है कि रजिस्टर वैल्यू डाली गई है ताकि वो उसको क्लैश कर सके। अगर इसके अंदर खुद के अंदर कैपेसिटी नहीं होगी तो कैसे टर्मिनेट करेगा, क्योंकि नाम क्या है टर्मिनेटर, टर्मिनेट करना ये बताऊंगा ना भाई, मैंने शुरुआत ही की है। डेटा ऑलवेज ब्रॉडकास्ट इन दिस टोपोलॉजी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कास्ट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसको मत सोचना यार, तीन तरह के कास्ट होते हैं, एक होता है यूनी कास्ट मतलब 1-to-1 कम्युनिकेशन जो मोबाइल फोन के थ्रू करते हैं, एक होता है मल्टी कास्ट। मल्टी कास्ट में क्या होता है, 1-to-many, और एक जब कोई चीज क्रिकेट मैच वगैरह या कुछ ऐसी चीजें आती है ब्रॉडकास्ट, 1-to-all, उसे 1-to-all मतलब उसे ब्रॉडकास्ट नेचर बोलते हैं। तो इस टोपोलॉजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि इसके अंदर जो डेटा होता है वो हमेशा ना ब्रॉडकास्ट की नेचर पे काम करता है, मतलब अगर एक ने डेटा दूसरे को भेजा तो बाकियों के पास भी जाता है, बाकी पास जाने से बाकियों को नॉक करता है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस होता है, जिसके लिए वो डेटा आया होता है कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है, कंप्यूटर से एक्सेप्ट करके अपने पास रख लेता है, तो वो बेसिकली हमारा क्या कहलाता है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। मतलब इसमें नेचर ये है कि मान लो चार सिस्टम मैंने लगा रखे हैं, A, B, C, D, तो अगर A ने डेटा D को भेजा तो वो B पे भी नॉक करेगा, C पे भी नॉक करेगा, और D पे तो जाएगा ही जाएगा, मगर D उस डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद बोलेगा यार ये डेटा मेरे लिए है भाई, ये डेटा किसी और को मत भेज, ये डेटा मेरे लिए। यस, कंप्यूटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, कंप्यूटर वाक्य में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनकी वजह से उनको पता होता है कि यस यार ये डेटा मेरे लिए है, ये एड्रेस मेरा है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए आई है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस माना जाता है। उसकी वजह यही रहती है कि उसको पता होता है उसका एड्रेस क्या है। तो अगर कोई डेटा अनफॉर्चुनेटली जेड के लिए तो जेड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मान लो ए बी सी और डी, बी ने डेटा भेजा गलती से जेड को, या कोई ऐसा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आ गया तो इसको पूछेगा हाँ भाई तू जेड है, ये कहेगा नहीं, तू जेड है कहेगा नहीं, तू जेड है नहीं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, डेटा नेटवर्क पे ट्रैवल होता रहेगा, ब्रॉडकास्ट के नेचर में तो ये ट्रैवल होता रहेगा ना,
ब्रॉडकास्ट के नेचर में तो ट्रैवल होता रहेगा, पर टर्मिनेटर का फायदा क्या हुआ? जैसे ही डेटा यहाँ पर आया, भाई साहब आप जेड हो, ये कहेगा नहीं, कितना कहाँ जाता है, आगे तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, टर्मिनेट। और वही डेटा यहाँ भी जाएगा, जेड है नहीं, जेड है नहीं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के नेचर का मतलब होता है वन टू ऑल, डेटा सभी के पास ट्रैवल करता है भाई साहब, और सभी के पास ट्रैवल करने के बाद जिसने एक्सेप्ट कर लिया ना, फिर भी नेटवर्क पे रहता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है वन टू ऑल है, इस पर स्पेसिफिक नहीं लिखा, वो डी के पास ही जाना है, सबके पास है जी, सबके पास है, डी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि डी को पता है ये मेरे लिए आया, पर डेटा आपका फ्लो तो हो रहा है ना, और अगर उस डेटा को टर्मिनेट ना किया जाए तो क्या होगा, नेटवर्क में फ्लो इशू चलती रहेगी, अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट होता रहेगा, और अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट किस चीज़ को, किस चीज़ को जन्म देता है, कंजेक्शन। बाय द हेल्प ऑफ स्निफिंग सॉफ्टवेयर, हैकर के माइंड से देखो तो यस, उसे कहते हैं स्निफिंग करना, सूंघना, तभी तो हैकिंग में स्निफिंग यूज की जाती है, मगर इसको तोड़ दिया स्विच ने, स्विच में ऐसा नहीं होता, तभी तुम स्विच को हब बनाने की कोशिश करते हैं हैकिंग, ताकि वो सबको इन्फॉर्मेशन दे, हैकिंग में मच जाती होता है, इट कैन बी पॉसिबल, या अगर कोई डेटा आपके पास नॉक कर रहा था आप उसे चुरा सकते हो, उसके पास तो जाएगा जाएगा, पर आपके पास भी नॉक हो जाएगा, इट कैन बी पॉसिबल, तो दैट्स वाई वी नीड अ टर्मिनेटर, इसलिए हमें टर्मिनेटर की जरूरत पड़ती है। और डेटा इसके अंदर जो फ्लो होता था ना, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता था हब डुप्लेक्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन, वन इज सिंप्लेक्स, वन वे डायरेक्शन कम्युनिकेशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, सेकेंड वन इज डुप्लेक्स, बट डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, वन इज आप, सेकेंड वन इज हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मीन्स वन टाइम यू सेंड द डेटा, फर्स्ट टाइम यू सेंड द डेटा एंड सेकेंड टाइम यू रिसीव द डेटा, सेकेंड टाइम यू रिसीव द डेटा एंड हेयर सेवन डेज टू यू सेंड द डेटा एंड रिसीव द डेटा, 7 days to you send the data and receive the data. Full का मतलब एक ही टाइम पे आप डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो सिंप्लेक्स वन वे डायरेक्शन कम्युनिकेशन, मतलब आपका डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। एनी एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स, इसमें एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा और कुछ नहीं, नहीं, यस रेडियो, रेडियो में क्या होता है, रेडियो एफएम टेलीविज़न में क्या होता है, टीवी पे कुछ आ रहा है, आ रहा है, तुम कुछ कर सकते हो, अब यार मत जा उधर तू मरने वाली है, मत जा, सिर्फ वो लोग ऐसा होता है, एफएम पे कोई गाना आ रहा है, रेडियो पे कोई चीज़ आ रही है, आप कहते हो भाई नहीं हुए दूसरा बजा, चल 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 अपना बजा, अपना बजा, कुछ कर सकते हो, जो आ रहा है वो आ रहा है, दैट इज़ अ सिंप्लेक्स, दैट इज़ अ सिंप्लेक्स, एक ही डायरेक्शन में जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन चलेगा, आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। पर डुप्लेक्स में टू वे डायरेक्शन कम्युनिकेशन होता है, डुप्लेक्स में टू वे डायरेक्शन कम्युनिकेशन होता है। टू वे डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, पहला होता है हाफ, हाफ मतलब मैंने पहले डेटा को सेंड कर दिया, मैंने जब प्रॉपरली सेंड कर दिया उसके बाद ही मैं रिसीव कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। वॉकी टॉकी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। वॉकी टॉकी में क्या होता है, आप पहले बोलते हैं ओवर, ओवर करने का मतलब होता है कि सामने वाले मैंने ओवर कर दिया, अब तेरा मौका है बोलने का, फिर आप चुप हो जाते हो, फिर वो पूरी बात बोलता है, वो वर्ड यूज़ करता है ओवर, तो हम बटन दबाते हैं, बटन दबा के फिर हम ये करते हैं, हम ओवर बोलते हैं, हम बटन को रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वहाँ से वो अपनी बात शुरू करता है और कहता है ओवर एंड आउट, इसका मतलब अब हम दोनों में से कोई नहीं होता, चुपचाप लगा तो सुनते रहते, क्योंकि आप उसमें बोल भी सकते हो, इसलिए वो हाफ डुप्लेक्स मोड होता है। आपको ये लग रहा होता है कि वो सुनते सुनते रहते हैं, नहीं जी उसको पकड़ के आप बोलना शुरू करा बोल भी सकते हो, इसलिए उसे हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। फुल डुप्लेक्स मतलब एक ही टाइम पे सेंड और रिसीव। अब वीरेंद्र पाजी हैं भाई साहब, गर्लफ्रेंड है अगले की, बात करता उससे बड़ी प्यार मोहब्बत वाली, कहीं वो चुप भी कराती थी, चलना निकल यहाँ से, सारे दिन तो क्लास में बैठा रहता है, बात तो जी तुम उससे करता नहीं, तो वो सेवन टेस्टली इसको डांट भी रही है, सेवन टेस्टली उसकी बातें सुन भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये भी सुना रहा है, वो दोनों बातें एक चीज़ हो रही है, एक ही टाइम पे दोनों काम हो रहे हैं, तो क्या हुआ फुल डुप्लेक्स।
मोबाइल फोन में क्या होता है, यही तो होता है मोबाइल वाला फुल डुप्लेक्स, आप बात करते करते सुनते भी हो। वॉकी टॉकी किसका एग्जाम, सिंपल हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स मतलब डुप्लेक्स का एग्जाम है मगर हाफ, फर्स्ट टाइम यू सेंड द डेटा एंड सेकंड टाइम यू रिसीव द डेटा, नॉट साइमल्टेनियसली, क्योंकि एक ही टाइम पे अगर दोनों चीजें करते हैं ना तो ना तो बात आपकी वहां तक पहुंचती है ना उसकी बात आप तक पहुंचती है। रेडियो एंड ऑल दैट सिंपलेक्स, सिंपलेक्स रेडियो से सिंपलेक्स, रेडियो क्योंकि रेडियो में सर एक ही चीज होता है, रेडियो में सिर्फ आप सुन ही सकते हैं आप बोल नहीं पाते, ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको, समझ आया। तो इसमें जब डेटा फ्लो होता था ना बस टोपोलॉजी में, वो ब्रॉडकास्ट के साथ साथ हाफ डुप्लेक्स मोड पे चलता था। अगर कोई डिवाइस सेंड कर रहा है तो बेचारा सेंड ही करता है, उस टाइम पे रिसीव नहीं करता, जब उसका डेटा प्रॉपरली सेंड हो जाता है तो वो रिसीव होना शुरू हो जाता है। ब्रॉडकास्ट सिंप्लेक्स हो सकता है सर, जैसे वो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट होता है ये वाला क्रिकेट मैच, तो सिंप्लेक्स की नेचर में तो है, तुम जाके क्रिकेट मैच को रोक लेते हो, अगर चलना विराट मैसे बेहतर को ऐसे शोर से करो तो वैसे मान लो, पर होता क्या सर ब्रॉडकास्ट होता है, ये तो सर अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इससे इससे रिलेट मत करो, ये हो इसे कहते हैं वे ऑफ कम्युनिकेशन, और ये होता है आपके डेटा का फ्लो होने के टाइप्स, क्या वो वन वे जा सकता है, वन वे मतलब वन टू वन, वन टू वन मतलब जब आप मोबाइल फ़ोन से किसी को कॉल करते हो तो वो वन टू वन होता है, उसे कहते हैं यूनिकास्ट, आप वन टू वन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जब उसी कॉल को आप कॉन्फ्रेंस पे ले जाते हो तो क्या हो जाता है मल्टीकास्ट। कॉन्फ्रेंस कॉल का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल का मतलब होता है मल्टीकास्ट, कि अब एक से ज़्यादा लोग भी अब सुन सकते हैं, चार पांच लोगों का आप एक साथ बिठा लो सुन सकते हो, ये इन्वेस्टर में क्या कर रहा हूँ मल्टीकास्ट कर रहा हूँ, मैं गिन सकता हूँ 11 बैठे हुए 11 लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्या हुआ है, ये मल्टीकास्ट है, क्योंकि वन टू मैनी, मैनी मीन्स काउंटेबल, मैनी मीन्स काउंटेबल, मैनी मीन्स काउंटेबल, क्या आप यू कैन काउंट इट, यू कैन काउंट इट, आप उसे काउंट कर सकते, और ब्रॉडकास्ट एंड नंबर ऑफ यूजर्स, सबके घर पे क्रिकेट मैच आता है और जो प्लग करेगा वही आएगा उसी के पास, मगर नेचर तो उसका ब्रॉडकास्ट है, अवेलेबल तो सभी के लिए, लेने वाले जो अलग है वो अलग। सर लाइव स्ट्रीम किस टाइप का, लाइव स्ट्रीम भी ब्रॉडकास्ट नेचर में आता है, लेकिन उसमें तो काउंट कर सकते हैं, हॉटस्टार की बात है, पर आप एक कंट्री के हिसाब से काउंट करते हो सर, अगर वर्ल्ड वाइड काउंट करो तो नहीं सर, हॉटस्टार की अगर बात करते हो ना, हॉटस्टार नहीं सर, YouTube बोलो मल्टीकास्ट करता है ना, वो YouTube के लिए, वो YouTube के लिए मल्टीकास्ट है, पर हमारे लिए वो ब्रॉडकास्ट है, YouTube जो भेजता है वो मल्टीकास्ट भेजता है, YouTube ब्रॉडकास्ट नहीं भेजता, मगर हम उसे काउंटेबल कर सकते हैं, एक कंट्री पे कोई चैनल आता है तो एक कंट्री के हिसाब से देखा जाए ना वो मल्टीकास्ट है, पर हम यूज़र के हिसाब से तो ब्रॉडकास्ट है, हम यूज़र के हिसाब से तो ब्रॉडकास्ट ही कहते हैं। हेलो हेलो कौन, हाँ हाँ संदीप बोला क्या, हाँ मेरे पास तो नहीं है, मेरा उनसे कॉन्टैक्ट नहीं है, इनका रिसेप्शन का एरिया नंबर मिला था ना, तुम्हारा किस रिचर्न में एडमिशन किया था क्या, ठीक है आज कल की आपकी जो पीडीबी क्लास है ना पूछ के जाना रिसेप्शन सर, कल फ्राइडे है, कल क्लास नहीं है आपकी, ये सी है नहीं, कल फ्राइडे है, तो कल आप कल के लिए पूछ के जाना जी पीडीबी क्लास है तो कितने बजे हम तभी आएंगे, कहीं वो लड़का यही कह रहा है, लास्ट फ्राइडे को भी आया था मैडम अवेलेबल नहीं थी, मैं आके चला गया था, मुझे उसका नंबर मैडम का नंबर मेरे पास तो है नहीं, वैसे के साथ बोल दिया उसको, तो आप कंफर्म करके ना, अगर आप पीडीपी क्लास के लिए आना चाहते हो तो ही आना, वरना मत आना, पहले बता, ठीक है ना, अगर आप कोई और काम है तो वो पहले कर लेना, यहाँ तो वो पीडीपी ही होता है, नॉन पीडीपी, कई बार आ सकता है आपको आधा पौना घंटा पीडीपी करना पड़ता है, हाँ कई बार हो जाता है मैडम की लेट आती है, तो कन्फर्म करके जाना, कन्फर्म करके जाना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली सर बेसिकली आपने बताया कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिकली टर्मिनेटर के थ्रू होता है, मतलब नहीं 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 सर टर्मिनेटर तो अलग ही चीज है, और ये यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट ये अलग, हां ये अलग वो नेचर होता है, जब कभी आप डेटा सेंड वगैरह करते हो उनका डेटा सेंड का नेचर क्या है। हेलो
या फ़ोन पे आ गए। सर वो तो बारिश हो गई थी ना, पिछली बार तो बसते ही नहीं, बारिश बहुत तेज हो गई। मैंने जब उससे बोला भी था कैंटी के रास्ते से निकल, मतलब वो जाते ही दुल्लापुर रास्ते जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करता, बात की तो नहीं मानते ना चक्कर। मैं इस टाइम पे नोएडा बैठा हूँ छोटी, और नोएडा से पहले मैं घर जाऊँगा, फिर घर जाने के बाद पैकिंग करूँगा, पैकिंग करने के बाद जाऊँगा। वो प्रॉब्लम यही हुई थी, बारिश का इशू था। चलो मैं जल्दी निकल जाऊँगा, कोई दिक्कत। बेसिकली इसमें टर्मिनेटर का काम सिर्फ इतना ही है कि आपका जो डेटा फ्लो, अगर वो प्रॉपर एंड तक पहुंच गया है तो उसे फ्लो करने का कोई मतलब नहीं है आगे पीछे, तभी तो दोनों एंड पे लगाया जाता है। मगर इसमें ड्रॉबैक्स बहुत है, इसकी स्पीड सिर्फ 10 Mbps होती है। 10 Mbps में काम करोगे आज की डेट में? आप बिल्कुल भी नहीं करोगे सर। 10 Mbps का तो घर में मेरा नेट नहीं, मेरा USB 10 Mbps पे नहीं चलता। USB डेटा कॉपी अगर आज करते हो आज की डेट में तो कितना, 20 Mbps चलता है, 30 Mbps चलता है 3.0 में? 10 Mbps पे काम करोगे क्या तुम फिर? और अगर आपको कोई नया डिवाइस लगाना है तो पहले आपको इस टर्मिनेटर को हटाना पड़ेगा, फिर तार बिछानी पड़ेगी, फिर टी कनेक्टर लगेगा, और टी कनेक्टर के बाद यहाँ पे टर्मिनेटर लगेगा, तो पूरा नेटवर्क तो स्टॉप होगा ही ना एक टाइम के लिए। लॉजी तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे जिसकी वजह से इस टोपोलॉजी को आउटस्लिप कर दिया गया है, पर आज भी हमारे जो डिवाइसेस हैं वो बस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप स्विच को देखो, ये बस ही तो है, ये एक बेस है, उस बेस पे मल्टीपल पोर्ट्स आपके लगे, वो बेस है उससे मल्टीपल पोर्ट्स सब लगे हुए। सेकेंड टोपोलॉजी का नाम है रिंग। कैसी होती है रिंग टोपोलॉजी कोई बता सकता है? मतलब ऐसे ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड ईच अदर, मतलब ऐसे कुछ ये रिंग टोपोलॉजी पक्का। बट देयर इज अ डिवाइस व्हिच हेल्प्स टू कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर। चलो मैं इनकी बात को भी थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ। आपको लगता है कि बस टोपोलॉजी ऐसी होती हो, ये रिंग ऐसी होती हो, क्योंकि आप सबको पढ़ाया ऐसे ही गया है, रिंग टोपोलॉजी पढ़ाई ऐसे ही गई है। पर आप कुछ सोचो, रिंग टोपोलॉजी का ऐसा स्टैब्लिश करना आसान था? रिंग टोपोलॉजी को ऐसा स्टैब्लिश करना आसान था उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 1988 की बात कर रहा हूँ। 1988 में नई नई कंप्यूटर्स ये सब चीज़ें आई थी, उनमें डिवाइस लगाना अपने आप में मुश्किल था। तो आप क्या चाह रहे हो, एक सिस्टम पे दो डिवाइस लगेंगे सर, जो यहाँ से भी जोड़ेगा और यहाँ से भी जोड़ेगा। इट कैन बी पॉसिबल उस टाइम पे? तो रिंग टोपोलॉजी पढ़ाई तो ऐसी की है जिसमें डेटा क्लॉक वाइज जाता था, ऐसा 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 रिंग की फॉर्मेट में डेटा होता था, रिंग की फॉर्मेट में सिस्टम लगते थे, ऐसा पढ़ाया ना आपको, सही है? चल वेट, मैं रिंग को अभी 2 मिनट स्टॉप कर देता, मैं अभी रिंग को 2 मिनट स्टॉप कर देता, मैं उसकी जगह एक टोपोलॉजी पढ़ा देता हूँ जिसका नाम है सटार। स्टार टोपोलॉजी है। इस स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या था, देर इज अ सेंट्रलाइज डिवाइस इन अ स्टार टोपोलॉजी, इट मे बी स्विच, इट मे बी हब, कोई भी डिवाइस हो सकता था। Each and every computer connect with them. There is a centralized point. Star topology में एक centralized point होता था, सारे computer एक दूसरे से connect होते थे by the help of centralized point से। Cable ज़्यादा use होती थी, इसके अंदर cable ज़्यादा use होती थी, UTP cable लगती है, unshielded twisted pair cable। केबल्स के बारे में भी आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। प्लस स्पीड, आज की डेट अगर बोलता हूँ ना, अगर आज की डेट में हम बोले तो ये स्टार हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, ये स्टार टोपोलॉजी आज भी यूज़ कर रहे हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस लगा हुआ है आपके सामने, इसके अंदर जो सारी केबल्स लगी हुई है,
वो केवल दूसरे डिवाइसेस से साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या हुआ, एक स्टार हुआ, ये क्या अपने आप में एक स्टार है, और स्टार से सबकी कनेक्टिविटी हो रखी है, स्टार ही तो है ये। अभी अपने जैसे ये बस, मतलब मैंने कहा ना बेस बस है, बेस बस है, बेस इन द सेंस देखो सर एक ही डिवाइस है, उसमें मल्टीपल डिवाइस लगाने की ऑप्शंस है। तो बस में भी क्या होता था कि एक बैकबोन केबल होती थी जिससे कनेक्टिविटी होती थी, मगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए ना तो बस नहीं है, वो स्टार है। क्योंकि बस में क्या होता था, केबल लगी होती थी, केबल्स को काट काट के हमें बस बनाना पड़ता था। इसमें बेस अपने आप में बस की तरह है, मगर हर डिवाइस अपनी खुद की एक अलग तार से कनेक्ट होता है, इसलिए स्टार। नहीं तो मैंने इसे बोला केबल ज़्यादा यूज़ होती है। कॉन्सेप्ट आठ, बस में क्या होता है, चार पहियों में मैंने बताया ना, एक एक पूरी की पूरी है एल्युमिनियम शीट की बनी हुई एक बस तैयार हो जाती है भाई साहब जी, लोहे की बनी हुई है। यहाँ क्या है, यहाँ भी वही तो है, पूरा का पूरा डिवाइस एक किससे बना हुआ है, आप चेक करके देखना, ये एल्युमिनियम टाइप ही तो है, इसमें सब कुछ है। बेस आज की डेट बस है, मगर क्या है, हर कोई डिवाइस इससे कनेक्टेड है, मगर अपनी एक इंडिविजुअली केबल लेके कनेक्टेड है, तो इसलिए स्टार। फॉर्मेट एक बस का है, मगर एक्चुअल में देखो क्या है, ये अभी आप सामने ये चार पीस, तीन पीसी देख रहे हो, ये तीसरी पीस, तीन पीसी क्या अपने आप में बस है, एक तरह का बस ही तो है, ऐसे तो पैरेलल होते हैं, मगर इनकी कनेक्टिविटी जो हम लोगों ने कर रखी है वो स्टार है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्ट है, तो स्टार है। क्योंकि हर किसी के अपनी खुद की इंडिविजुअली केबल है, और इंडिविजुअल केबल होने का मतलब होता है कि स्टार। स्पीड आज की डेट में 1 Gbps है, 1 Gbps आ चुकी है मार्केट के अंदर। आजकल आप लैपटॉप जो लेटेस्ट खरीदोगे उसके अंदर स्पीड 1 Gbps मिलती है बाय डिफॉल्ट पीछे से ही, ठीक है जी। और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, अगर कोई एक डिवाइस ख़राब हो जाता है तो बाकियों को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई नया डिवाइस आपको अपेंड करना है यू कैन, आपको पूरा नेटवर्क स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक नया डिवाइस भी अपेंड कर सकते हो। इसे ये नहीं है कि आपके पूरे नेटवर्क को बिठाना पड़ेगा तब आप कर सकते हो। इसके अंदर जो मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है या इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उस टेक्नोलॉजी का नाम है इथरनेट या एथरनेट। ये इथरनेट या एथरनेट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म चलता है, उस मैकेनिज्म का नाम है CSMA/CD। CSMA का मतलब ये 1 GB का मतलब है सर, 1 GB हो, 100 GB हो या 10 GB हो, कुछ भी हो, या 100 Mbps हो या 10 हो, कुछ भी हो, उसमें ये चीज़ होती है, एथरनेट ही कहते हैं उसे, एथरनेट ही कहा जाता है। हाँ वो तो है, अगर हम लोग बात करें कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, इसमें कॉन्सेप्ट आता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब अगर आपका सेंट्रलाइज डिवाइस ही खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क चौक। तो बहुत बेसिक सी बात है कि भाई जब हम लोगों को जोड़ने वाला बंदा ही ख़त्म हो जाए तो हम जुड़े कैसे रहेंगे, हम तो बिखर जाएंगे ना, तो वही इसके अंदर है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। हाँ वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, आप लोग लिख लेना एक बार, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। सी स्टैंड फॉर कैरियर, कैरियर करियर नहीं, करियर अलग चीज़ होता है, कैरियर अलग होता है। बड़े बड़े ट्रकों पे लिखा होता है ना गुड्स कैरियर, वो कैरियर, कैरियर मतलब जो ले जाने वाला है। एस का मतलब सेंस, सेंस कैरियर सेंस। एम का मतलब मल्टीपल, कैरियर सेंस मल्टीपल। ए का मतलब एक्सिस, ए का मतलब एक्सिस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस। स्लैश सी का मतलब कोलिजन, सी का मतलब कोलिजन, और डी का मतलब डिटेक्शन, डी का मतलब डिटेक्शन। तो ये पूरे मैकेनिज्म का मतलब क्या है, इथरनेट इस मैकेनिज्म पे चलता है। आपका जो एथरनेट या इथरनेट जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, इस टोपोलॉजी के अंदर स्टार के अंदर, इसके अंदर एक मैकेनिज्म चलता है, उस मैकेनिज्म का नाम है CSMA/CD। मतलब क्या, जब कभी आप ये टोपोलॉजी यूज़ करोगे ना, करंटली बता रहा हूँ आपको, ये टोपोलॉजी यूज़ होती है। इस टोपोलॉजी में ये होता है जब भी कभी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं ना किसी को भी, डेटा ट्रांसमिट होने से पहले कैरियर सेंस किया जाता है क्या कोई नेटवर्क पाथ पे
पहले से डेटा फ्लो तो नहीं हो रहा? अगर डेटा फ्लो हो रहा है ना तो उसे होने दो, होने दो, क्योंकि मैं डेटा नहीं भेज सकता वरना मेरा डेटा उसके साथ कोलाइड हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो इसलिए वो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस करता है कि भाई हो सकता है कि मल्टीपल एक्सेस हो रहे हो, चीज़ें बहुत सारी जा रही हो, तो वो उस पाथ का आइडल होने तक वेट करता है। आइडल मोड, आइडल मोड वो मोड होता है जहाँ पे कभी कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, शांत होता है, शांत, खाली होता है, खाली, फ्री। तो जैसे ही किसी डिवाइस को पता लगा, आपका ये काम नहीं होता है, आप तो सिर्फ सेंड बटन पे क्लिक कर देते हो, ये सब काम इंटरनली होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा जीमेल पे जब कभी आप अटैचमेंट वगैरह कर लेते हो, मेल कंप्लीट कर लेते हो, सेंड बटन पे क्लिक कर देते हो, कई बार लिखा आता है स्टिल सेंडिंग, योर मेल स्टिल सेंडिंग, और जैसे ही उसको पाथ फ्री मिलता है तो सेंट, योर मेल हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंट, योर मेल हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंट, फिर लिखा आता आपके साथ कि हाँ भाई आपकी मेल सक्सेसफुली चली गई। ये चीज़ होती है क्योंकि उसे पता है अगर मैं सेंस नहीं करूँगा, मैं पहले से ही डेटा भेज दूँगा तो क्या होगा, डेटा आपस में टकरा जाएगा। अब चलो मान लो पाथ खाली हो गया, पाथ खाली हो गया, फ्री हो गया, अब एक टाइम पे दो बंदों ने उसे सेंस कर लिया और दोनों ने साइमल्टेनियसली डेटा भेज दिया, क्योंकि दोनों को लगा आइडल है, दोनों ने सेंड कर दिया, अब दोनों के पैकेट गए आपस में, टकरा गए, तो उसे कहते हैं कोलिजन। पर ये इथरनेट इतनी अच्छी है, कहती है कोलिजन डिटेक्शन, अगर किसी वजह से आपके नेटवर्क पैकेट के अंदर कुछ कोलिजन आ जाएगा तो मैं उसे डिटेक्ट कर लूँगी, और डिटेक्ट करने के बाद मैं सबको बोल दूँगी रुक जाओ, स्टॉप, अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क पे आपस में डेटा क्या हो गया, कोलाइड हो गया, डेटा कोलाइड हो गया, टकराव हो गया, टकराव, रुक जाओ, वेट करो। और फिर डेटा के कोलिजन को क्लियर करते हैं, फिर जैसे यार रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में टकरा जाती गाड़ियां आपस में, कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके बाद उसको एक्सीडेंट को क्लियर करते हैं, ट्रैफिक को फ्लो करा देते हैं। सेम यही चीज़ तो है, इसके अंदर अच्छी खासियत है कि डेटा के कोलिजन को डिटेक्ट करता है, इट हैव अ मतलब कैलिबर टू डिटेक्ट द कोलिजन डेटा। और पहली बात है कोलिजन होने नहीं देता, कोशिश यही करता है कि डेटा फ्लो ऐसा हो कि कोलिजन ना हो, एक खासियत ऐसी है। इसलिए आज के डेट में कहा जाता है 80% इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, पर अब इसका रेशियो कम होता जा रहा है, अब हम लोग फाइबर पे जाते जा रहे हैं, इसका रेशियो 75% रह गया, 70% रह गया, कहा जाता है, ठीक है ना, कम हो गया इथरनेट, क्योंकि आज भी हमारे घर में वैसे इथरनेट ही चल रहा है, एंड यूज़र आज भी इथरनेट ही चला रहा है, बैकएंड पे फाइबर आ गई है, आपके घर पे फाइबर नहीं आई है, फाइबर आपके घर पे यहाँ पे आती है, बस इस बॉक्स पे फाइबर लगेगी, बस आपके एंड डिवाइस पर अब तक फाइबर नहीं आई, क्योंकि ये कंप्यूटर अभी तक समझते ही नहीं है फाइबर को, इन पीसीओ के अंदर फाइबर की तार डायरेक्ट लग ही नहीं पाई है अभी तक, क्योंकि डिवाइस ही नहीं आए, अभी भी हम लोग इथरनेट केबल, इथरनेट केबल कौन सी होती है, ये वाली, ये होती है इथरनेट केबल, इसके आगे RJ45 लगता है और कंप्यूटर में तार लग जाती है, जैसे वो ऊपर लगी हुई है, डिवाइस तो आ चुका है ना, पर वो डिवाइस एंड पॉइंट यहाँ पर है, एंड पॉइंट पे डिवाइस कहाँ आया है, वो बेचारा घर पे लगा हुआ है, घर पे डब्बी लगती है, फाइबर की तार लगती है, उससे लाइन की तार लग के पीसी में लग जाती है, मोडम में लग जाती है, और मोडम वाईफाई वाला हो जाता है, तो मोडम तक फुल स्पीड आती है वाई उसकी फाइबर की, और तुम्हारे कंप्यूटर से मोडम तक तो स्पीड इथरनेट ही है। डेटा जाता बहुत तेज है मगर मोडम तक पहुँचने में तो ऐसी तैसी हो जाती है, कंप्यूटर उतनी स्पीड में काम करेगा, तभी तो कह रहा हूँ 100 Mbps, और फाइबर तुम्हारी कितनी है, 10 Gbps, 10 Gbps ही फाइबर आ चुकी है आज की डेट में, 1 Gbps, पर कंप्यूटर बेचारा क्या करे, वो तो 100 की स्पीड में मोडम तक पहुँचेगा, मोडम आकर गोली की तरह ले जाए, पर मोडम तक तो पहुँचाओ क्या करें, वो हमारे अभी आए नहीं हमारे डिवाइसेस, हमारे डिवाइसेज की अभी हैसियत नहीं है ना समझ सकते, तो इथरनेट केबल सर, हाँ आप देख सकते हैं, हाँ इंटरनल मॉडम ना, तो क्या होगा, तब भी क्या होगा, मॉडम तक फाइबर आ रही है पर मॉडम के बाद तो इथरनेट ही आ रही है, वो मॉडम नहीं है सर, वो कन्वर्टर है, उसे मॉडम नहीं कहते हैं, उसे कन्वर्टर कहते हैं, इतना छोटा सा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर है कुछ नहीं, हल्का सा होता बिल्कुल भी, ऐसे फूक मार के उड़ जाए वो, ऐसा बॉक्स होता है, पर उसके अंदर दो फाइबर की तार आती है,
और फाइबर की तार से फिर इथरनेट की तार निकलती है। अब अगर मोडम अंदर लगा लोगे तो मोडम के अंदर एक फाइबर का पॉइंट होना चाहिए, तभी तो लगा पाओगे। लगानी तुम्हें हर वो डिवाइस, उसे कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस, आईओ डिवाइस। वो आईओ डिवाइस होता है फाइबर इन इथरनेट आउट, इथरनेट इन फाइबर आउट, इसे इनपुट आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, आईओ डिवाइस। कुछ नहीं कर सकते अभी हम भाई, अभी कंप्यूटर नहीं। सर आज की डेट मैंने बोला ना 1 GB पे आ चुका है, मतलब जितना अगर फाइबर वाले प्रोवाइड करते हैं उतना हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है। नहीं कर सकता, मेरा लैपटॉप अगर 1 GB नहीं कर सकता तो वो नहीं चलेगा, वो अपनी स्पीड से चलेगा, वो अपनी स्पीड से चलेगा। उसमें अगर 100 MBPS की स्पीड है तो 100 MBPS तक मैक्सिमम जाएगा आपकी लाइन। मैं कहता हूँ लाइन आपकी आज की डेट में 50 GBPS भी देते हैं, 10 GBPS भी देते हैं, इतनी GBPS भी आपको लाइन प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखना ब्रॉडबैंड जो प्रोवाइड करते हैं ना MBPS, वो अलग चीज़ होती है, और आप जो यूज़ करते हो वो MBPS अलग होता है। एक होता है MBPS ऐसा और एक MBPS होता है ऐसा, दोनों में डिफरेंस है। आपकी कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक इसमें आती है, ठीक है ना। इसको ऐसे में नहीं ऐसा लिखो, पूरा पूरा लिखो। और आपके जो कंप्यूटर की कनेक्टिविटी होती है वो ऐसे आती है, ऐसे में आती है। इसका मतलब होता है मेगा बिट पर सेकंड, और इसका मतलब होता है मेगा बाइट पर सेकंड। यहाँ पे एक बिट है और यहाँ पे सर 8 बिट है, तभी वो बाइट बना। तो 8 गुने बैटर होती है आपकी पीछे की ISP की स्पीड, ISP की स्पीड पर क्या करें, तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तभी तो उसको GBPS में कन्वर्ट किया गया है। आज की डेट में 1 GBPS के आ चुके हैं। अब लैपटॉप परचेज करोगे ना उस पर लिखा होता है इथरनेट 1 GBPS। इसीलिए तो आए, क्योंकि बैंड बढ़ता जा रहा है, स्पेक्ट्रम बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है। 5G आ चुका है सर, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे कंट्री में तो 7G चल रहा है, हम पिछड़े हुए। कर रहा है, हो जाएगा। एयरटेल आंसर। MTS तो पहले दे दिया था भाई 5G, MTS तो पहले दे चुका है 5G, MTS ने 5G बहुत पहले चला दिया था, पर ये जो जितने भी ये क्या नाम है टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं ना, वो 5G को अडॉप्ट कर रहे हैं। पर मुझे बताओ 4G की सलाह 3G जैसे चलता है, चला 5G ला के चार डाल देंगे कि नहीं, इतना करते हैं इन्हें ना। एक्चुअली पैसा बहुत गंदी, वी आर मतलब हम लोग हमेशा ना अपने आप को डेवलपमेंट कंट्री में रहने देंगे, बस हमें अपने हम कोशिश करना होता है डेवलप। सारे डेवलपमेंट कंट्री के अंदर हम आ नहीं सकते, मतलब विकासशील देश है हम लोग, विकसित देश नहीं बन सकते। हमारी आदत है, हमारी आदत क्यों है, क्योंकि देखो हमें बिजली क्या चाहिए, फ्री की। दिल्ली में रहता हूँ, केजरीवाल ने बिजली फ्री की दे दी है, क्या का बात है बिजली फ्री देने की, मतलब क्या मतलब बनता है बिजली फ्री देने का। साले ऐसा काम कर, हर घर में से बिजली पैदा कर, वो बिजली डिपार्टमेंट तक पहुंचे, और जितनी बिजली डिपार्टमेंट के पास घर वाला बिजली प्रोवाइड कर रहा है ना, उतना उसका यूनिट उतना काट ले। साले फ्री देने की आदत की वजह से सबको आदत पड़ जाती फ्री खाने की, तो फिर वो कभी भी अपने आप को क्या नहीं करना, डेवलप करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है। जानबूझ के कोशिश यही करेगा कि 200 मतलब कम यूज़ करना जानते हैं, कि साला हम कम कर लेते हैं बिल नहीं आएगा। पर हम ये नहीं कहते हम बिजली बनाते हैं ना, हम बिजली बना के औरों को बिजली प्रोवाइड करते हैं। पंजाब में ऐसा हो चुका है, पंजाब में घरों में आप बड़े बड़े जगह पे आपने चेक करना 2-2 लाख का प्लांट लग रहा है जिससे बिजली बनती है, वो बिजली गवर्नमेंट के पास जाती है, और फिर जब तुम्हारा बिल जनरेट होता है तो तुमने जितनी बिजली उन डिपार्टमेंट को दी है ना, उतना यूनिट कम लग जाता है। कंट्री में ऐसा है सर, कंट्री क्या पंजाब इस मामले में सबसे आगे है। सीखना चाहिए हम लोगों को कि वो डेवलपमेंट कर रहा है और हम साले फ्री में बिजली यूज़ कर रहे हैं। कभी कोई फैसिलिटी फ्री देनी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि फ्री बाहरी कंट्री कभी किसी को फ्री नहीं प्रोवाइड करती, वो कहता है आप एफर्ट करो उसके बाद हम आपको फ्री देंगे, उसके लिए पहले आप मेहनत करो। हम लोगों को मेहनत करने की आदत है, फ्री की आदत पड़ गई है। 10 रुपये की चाट खरीद के खाओगे ना तो भाई साहब पूरा आखिरी बाइट तक चाट के खाओगे, तो साला 10 रुपये दिए खर्च करना है। पर जहाँ भंडारा मिल रहा होगा ना, 2 पूड़ी में पेट भर जाएगा तो 2 पूड़ी रस्ते में फेंक दो, क्यों, क्योंकि फ्री की है। बहुत गंदी मेंटेलिटी है, मेरा मन बस नहीं चलता, बना तो साला मुझे प्राइम मिनिस्टर सुधार दो पूरे इंडिया में। बोले UP में बिजली महंगी क्यों है, इसलिए कम यूज़ करो,
वो कहता था ना कम यूज करने की मेंटेलिटी लेके आ रहे, बनाने की मेंटेलिटी नहीं ला रहे हम साले, बनाने की मेंटेलिटी लाओ यार, शंघाई बनाएंगे, शंघाई बनाएंगे, बाबा जी का टुल्लू बन के रह गई। राजस्थान में तो कुछ महंगी है, आई थिंक 15 या 20 रुपीस पर यूनिट के तो पूरा हाल है यार, हम लोगों को गंदे आदत पड़ चुकी है ना, हम लोग कर नहीं सकते। चलो तो स्टार समझ आया, सी एस एम ए सी डी समझ आया कि किसी भी तरह से अगर कोई डेटा फ्लो होगा ना, तो उस डेटा में अगर किसी भी तरह का कोलिजन आएगा, इट कैन डिटेक्ट कर सकती है ये डिटेक्ट, और आफ्टर दैट दे जस्ट अ फ्लो को डिवाइड कर देती है, सबको मना कर देती है और काम हो जाता है। अब आपको दोबारा मैं रिंग पे लेके जाता हूँ, वापस रिंग पे लेके जाता हूँ। अब रिंग का कॉन्सेप्ट समझ, रिंग क्या कहती है जानते हो, रिंग क्या कहती है ढंग से कभी पढ़ना आप रिंग को। रिंग पे एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा होता है, रिंग लुक लाइक अ स्टार टोपोलॉजी बट वर्किंग एज अ रिंग फॉर्मेट, मतलब रिंग फिजिकली अ स्टार बट लॉजिकली अ रिंग, समझे। स्टार में क्या था, एक सेंट्रलाइज डिवाइस था, इन्होंने बिल्कुल सही बोला, रिंग में एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है, इन्होंने और हमने शायद काम किया है तो हम लोगों को याद है वो बात ना, आप जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो यही पढ़ाया जाता है कि क्लॉक वाइज डेटा जाता है, रिंग की फॉर्मेट में डेटा होता है, हम भी सुन के चुप हो जाते हैं। मैं तो अपने टीचर के कान पकड़ लिए, मैंने कहा सर रिंग बन कैसे सकता है, वो कहता है ऐसे ही बन जाता है, मैंने कहा ऐसे कैसे बन जाएगा, एक तार यहाँ घुसेड़ूंगा दूसरी तार कहाँ से निकालूंगा, कह रहा दूसरी तरह से, मैंने कहा कितने लाइन कार्ड लगाएंगे फिर, उनको कह रहा दो लगाएंगे, मैंने कहा उस टाइम पर दो लाइन कार्ड लग जाते थे साले, एक लगाने में मम्मी याद आ जाती थी, उसे कैसे लगाऊंगा, इतने बड़े बड़े लैंड कार्ड होते थे पहले, एक स्लोट आता था आइजा काले रंग का आइजा, अब तो PCI आता, अब तो ऑनबोर्ड आता है, तो ऑनबोर्ड आता, सोचो ऑनबोर्ड भी दो आते हैं, एक आता है फिर दूसरे को लगाना ही पड़ेगा, तो कब लगा सकते थे, वो तो कहता था नहीं ऐसे ही होता है, क्या बोलूँ उसको मैं, कुछ बोलता नहीं था मैं, चल ठीक है भाई। फिर हमने जब सर्च करके देखा तो देयर इज अ डिवाइस, दैट डिवाइस ने, अच्छा ये रिंग टोपोलॉजी किसने बनाई पता आपको, रिंग टोपोलॉजी लाने का काम इसने किया है और इसी का ये डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम है माऊ, ये डिवाइस का नाम है माऊ। माऊ किसने बनाया है, MSAU, एस साइलेंट है, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। ये डिवाइस बनाने का काम किसने किया पता है, IBM ने। IBM ने इस डिवाइस के अंदर दो पोर्ट एक्स्ट्रा बनाए, एक का नाम रखा आर इन और एक का नाम रखा आर आउट, और ये डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड और इन पे लगते थे आपके पीसेस। ठीक है ना, आई थिंक या आर आउट होता है या आर, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत थी, ये भी एक मैकेनिज्म फॉलो करता था, उस मैकेनिज्म का नाम था और इसमें जो टेक्नोलॉजी चलती थी उसका नाम था टोकन रिंग, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी उसका नाम था टोकन रिंग, मतलब रिंग टोपोलॉजी बेस्ड ऑन टोकन रिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपकी स्टार जो थी वो इथरनेट पे बेस्ड थी ना, सेम ये थी आपकी टोकन रिंग। क्या मतलब होता था टोकन रिंग का, टोकन रिंग का ये मतलब होता था लिख लिया सबने, टोकन रिंग का ये मतलब होता था इस टोपोलॉजी के अंदर ना, अच्छा देख लो यार ये स्टार लग रही है ना, क्योंकि एक सेंट्रलाइज डिवाइस है सारे उससे कनेक्टेड है, स्टार लग रही है, मगर इंटरनली चेक करो इंटरनली ये क्या बन रहा है, रिंग बन रही है। तो इसलिए दिखने स्टार, ये रिंग टोपोलॉजी देखने में स्टार पर काम करने में रिंग, लिखने में स्टार पर काम करने में रिंग, इसको इसलिए ऐसे टोपोलॉजी बोलते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं टोकन,
किसी एक पर्सन के पास टोकन मिल जाता है। टोकन एक लॉजिकल बिट है, फिजिकली नहीं होता टोकन, लाइक का एक लॉजिकल होता है जैसे सबकी 0000 होगी, जिसके पास टोकन होगा वो 1-1 हो जाएगा, बाकी सब लोग 0000000। तो जिसके पास टोकन होता था उसके पास एबिलिटी होती थी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इन अ रिंग टोपोलॉजी देर इज वन सेंडर एंड अदर आर रिसीवर, मतलब एक टाइम पर एक ही डिवाइस डेटा सेंड करता था जिसके पास टोकन होता था। अब मदर डेयरी के दूध में जाओ तो जिसके पास टोकन होता था वही तो दूध ले सकता है, और कौन, मतलब मेट्रो में जाओ टोकन वाले तो ट्रैवल कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड वाले तो ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरे लोग थोड़ी कर सकते हैं। और उसकी भी पर्टिकुलर एक लिमिटेशन होती है, टाइम होता है, इतने टोकन इतने टाइम तक ही आप डेटा सेंड कर सकते हो, उसके टाइम के बाद आपको टोकन पास करना पड़ेगा। तभी इसमें होता था टोकन पासिंग टाइम शेयरिंग, टोकन पासिंग टाइम शेयरिंग। तो टोकन मतलब क्या होता था, टोकन मतलब कोई फिजिकल चीज नहीं होती, इंटरनली बिट्स होती थी, पैरिटी बिट, पैरिटी। उस पैरिटी में डिफाइन होता था कि इसको पैरिटी मिली हुई है, इसको पैरिटी मिली हुई है मतलब उसको राइट मिला हुआ है डेटा सेंड करने की। तो देर इज अ वन सेंडर एंड अदर आर रिसीवर इन द बस रिंग टोपोलॉजी। नहीं, सर्वर क्लाइंट में तो सर क्लाइंट भी तो कम्युनिकेशन कर सकता है साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे, उस टाइम पे नहीं होता ये, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक टाइम पर एक सेंड करेगा बाकी सब लोग रिसीव करेंगे, ये होता था। तो इससे क्या होता था, इससे ये फायदा होता था, मतलब वही चीज, कैरियर सेंड्स मल्टीपल एक्सेस, कोलिजन अवॉइडनेस, क्योंकि इसके अंदर कोलिजन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। एक टाइम पर अगर दो लोग एक साथ डेटा भेजेंगे तो अभी तो वो टकराएगा, पर यहाँ पे तो कोलिजन आ ही नहीं सकता, आ सकता कोलिजन नहीं, क्योंकि एक टाइम पे एक ही सेंड कर रहा है तो उसी का डेटा जाएगा, और जैसे ही डेटा पहुंच गया डेस्टिनेशन तक आर इन आर आउट को बता देगा कि भाई इसका टोकन गया, नेक्स्ट को पास कर दे। माऊ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, टोकन कौन देता है, माऊ, माऊ मल्टी इंस्टीट्यूशन एक्सेस यूनिट, ये टोकन देने का काम करता है, ये टोकन प्रोवाइड करता है, सब लोग पर डेटा सेंड करना शुरू कर देते, बाकी सुनना शुरू कर देते, और जैसे कंप्लीट हो गया नेक्स्ट को टोकन पास हो जाता है, जो अपनी विलिंगनेस बताता था डेटा सेंड करने के लिए। जिसके पास डेटा सेंड करने के लिए होगा टोकन उसी के पास जाता था और किसी के पास, फालतू फंड में नहीं जाता किसी। अगर आपके पास डेटा सेंड करना है तो भाई आप सेंड बटन पे क्लिक करा दो, जैसे ही टोकन तुम्हारे पास आएगा डेटा सेंड हो जाएगा। आपको नहीं पता लगता था ये सब कुछ, आप तो सिर्फ सेंड बटन पे क्लिक कर देते, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके छोड़ देते हो। अब गया नहीं गया वो व्हाट्सएप वालों की सरदर्दी है, वो आपकी सरदर्दी नहीं है। जब आपके पास टोकन आएगा डेटा सेंड हो जाएगा, हम कुछ नहीं करते थे इससे, पर ये चीज़ थी आपकी। और IBM इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता था, IBM ने डिवाइस ही बनाया हुआ है। आओ सर, प्रॉब्लम है इसके अंदर बहुत सारी, क्योंकि एक टाइम पे एक ही डेटा सेंड कर रहे बेचारे सब रिसीव कर रहे, डिले टाइम बहुत ज़्यादा होता था इसमें सर। वो तो शेड्यूल होता है, वो तो शेड्यूलिंग है, वो नहीं, वो तो आप उसे खुद बता रहे हो कि मुझे भेजना उस टाइम पे, पहले टाइप कर दे, वो शेड्यूलिंग है, वो नहीं। इसे वैसी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करती थी भाई, हर किसी को अपना वेट फॉर टर्न, वेट फॉर द टोकन। अब कितना वेट करेंगे, सारी स्पीड भी कम थी 10 Mbps, और हर किसी को वेट करना पड़ता था। और अब इसमें इस आर इन को मैंने दूसरे के आर आउट पर लगा दिया, और दूसरे का आर आउट इसके, दूसरे का आर इन इसके आउट पर लगा दिया, तो रिंग बड़ी हो गई, रिंग को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब वहाँ पे दो टोकन्स हो गए, एक उसके लिए एक उसके लिए, मगर अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक डेटा फ्लो हुआ, अगर वो ब्रॉडकास्ट की नेचर में हुआ तो सबके पास जाएगा, ब्रॉडकास्ट की नेचर में वो सबके पास जाएगा, तो इशू क्या हो सकता है, कोलिजन आ सकता है। अब कोलिजन आ जाएगा मगर इसको पकड़ना ही नहीं आएगा भाई। दारू पीना, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, बाकायदा उसके पैकेट पे बोतल पे लिखा होता है, और फिर भी हम छल्ले निकालते हैं, दारू पीते हैं, एंड में हमारा बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे हो जाता है। नॉर्मल हैप्पी बर्थडे पे तो हमारे लिए कैंडल जलाते हैं, मगर हमारे बड़े वाले हैप्पी बर्थडे पे हमको जलाते हैं। ले बेटा, दुनिया के लिए कैंडल जलाई थी, ले हम तेरे अंदर आग लगा दें, बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे। क्यों? क्योंकि अवॉइडनेस 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 डेटा स्टॉप, ये इसका बड़ा ड्रॉबैक था। तभी तो IBM ने इसको टाटा बाय कर दिया, और छोटे टाइम पे, जल्दी टाइम पे, तभी क्या आ गया स्टार, क्योंकि तब तक डिवाइस आ गया था, हब आ गया, पर हब के अंदर भी ड्रॉबैक था, फिर स्विच आ गया, और आज के डेट में आप उसी पे काम कर रहे हैं। हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में आपको ये वाली टोपोलॉजी मिलती है,
IBM ये क्लियर है ना आपको रिंग? अगर किसी कंप्यूटर ने डेटा सेंड किया, उसके पास टोकन था मगर वो कंप्यूटर मर गया, टोकन नहीं सेंड कर पाया, तो माऊ उसके टाइम के हिसाब से एक नया टोकन जनरेट करके नेक्स्ट को पास कर देता है। वह अगर इन केस अगर किसी के पास टोकन था और उसके पास वो विलिंगनेस मतलब एक्नोलेजमेंट नहीं पहुंची कि टोकन ना नेक्स्ट को पास करना है, और उस चक्कर में डेटा मतलब वो सिस्टम बंद हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम टोकन नया जनरेट करके मतलब माऊ नया जनरेट करके प्रोवाइड कर देगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माऊ की होती है, आपके लिए मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? अब क्या होता है, सारी सभी जगह आपको ये वाली टोपोलॉजी देखने को मिलती है। होता क्या है, यहाँ पे भी एक स्टार होती है, एक स्टार टोपोलॉजी होती है एक तरीके से, और उसके नीचे एक और स्टार टोपोलॉजी होती है, उसके नीचे एक और स्टार टोपोलॉजी होती है। अब इसके नीचे एक और स्टार बना दी स्विच लगा के, सेम वही चीज है, बस कुछ नहीं एक्सटेंडेड कर दिया, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी इज नोन एज ट्री टोपोलॉजी, बट देयर इज अ पेरेंट, और इस पेरेंट पे मान लो इंटरनेट आ रहा है, इस पेरेंट पे इंटरनेट आ रहा है, तो ये इंटरनेट जब यहाँ आ रहा है तो ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। अगर ये ब्रांच टूट गई तो सिर्फ इसका इंटरनेट नहीं चलेगा, बाकी क्या चलेगा? और कंपनियों में ऐसा ही होता है, कंपनियों में स्टार टोपोलॉजी को ही एक्सटेंड किया हुआ है, एक सर्वर बना लेते हैं, उस सर्वर के साथ स्विच जोड़ देते हैं, उस स्विच के साथ दूसरा स्विच जोड़ देते हैं, उसके साथ तीसरा स्विच जोड़ देते हैं, ऐसे ही अपने नेटवर्क को मतलब बढ़ा लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड, और एक्सपेंड करना ही अपने आप में ट्री बन जाता है। सबकी डिपेंडेंसी किस पे आज की डेट में? पेरेंट, पेरेंट पे, पेरेंट बन तो सबका नेटवर्क बन, सबके पास इंटरनेट नहीं आएगा। अगर चाइल्ड या सब चाइल्ड को दिक्कत आई तो सब चाइल्ड तक मतलब ये अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो सिर्फ इसके पास इंटरनेट की सर्विसेज या इसकी सर्विसेज नहीं आएगी, बाकी को तो चलता रहेगा ना। इसलिए ज़्यादातर मोस्टली कंपनियों में ट्री टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, पर ट्री अपने आप में कुछ नहीं है, ट्री अपने आप में स्टार ही है, बस स्टार को एक्सटेंड कर दिया, सेम है ये चारों स्विचों को हमने एक साथ जोड़ा हुआ है, क्या किया हुआ है? ट्री पर है क्या स्टार? ऐसे तुम बस को एक्सटेंड कर लो, ऐसे तुम रिंग को एक्सटेंड कर लो, बात वही है ट्री। बोलने में कुछ नहीं जा रहा भाई साहब, बट कॉन्सेप्ट थोड़ी रहेगा। अब एक टॉपोलॉजी और सुनी होगी आपने, एक टॉपोलॉजी और सुनी होगी जिसका नाम है मैश। उसमें क्या होता है, यहाँ एक सिस्टम, यहाँ एक सिस्टम, यहाँ एक सिस्टम, यहाँ एक सिस्टम, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, अब एक सिस्टम और लगा दिया, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, अब एक और लगा दिया, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है मैश पॉसिबल है। तो साले दो लाइन कार्ड लगाने मुश्किल हो रहे थे, इतने सब कुछ बना लेते हैं, पर ये मैश फिर भी एक टोपोलॉजी है, मैश वाक्य में एक टोपोलॉजी है। मैश इज नोन एज इंटरनेट, मैश इज नोन एज इंटरनेट वाक्य में। आज आपका याहू बंद पड़ा है, आप मुझे मेल नहीं कर सकते, सर जीमेल है ना, आपका याहू जीमेल बंद पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, हॉटमेल है ना, आपका हॉटमेल याहू जीमेल बंद पड़ा हुआ है, सर कोई बात नहीं, रेडी है ना, तो किसी ना किसी वे से आप मेरे पास कम्युनिकेशन पहुंचा सकते हो वाया इंटरनेट के थ्रू, तो वो क्या है मैश। इसको अगर एक नॉर्मल भाषा में आप समझो तो इंडिया के पास एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम, वो परम हर किसी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, डिपार्टमेंट इन द सेंस जल सेना, थल सेना, वायु सेना, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, तीनों से कनेक्टेड है, वो परम है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कहलाता है, जिसकी कनेक्टिविटी ये सब कुछ, ठीक है नहीं? इसलिए मैश। एक और टोपोलॉजी होती है जिसका नाम है हाइब्रिड, हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है यार, इधर तुम यूज कर रहे हो रिंग है, इधर तुम यूज कर रहे हो स्टार, इधर यूज कर रहे हो ट्री,
तो दो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को आपस में कनेक्ट कराना हाइब्रिड, तो इसका इसका क्या, इसका एग्जांपल भी इंटरनेट ही है, क्योंकि वाया इंटरनेट के थ्रू तो हम आपस में कनेक्ट होते हैं भाई, वाया इंटरनेट के थ्रू तो आपस में हम कनेक्टेड होते हैं, तो क्या है हाइब्रिड है, हाइब्रिड बस। तो ये टेक्नोलॉजीज थी आपकी, आजकल एक नई टेक्नोलॉजी और चल रही है, ठीक है ना, आजकल एक नई टेक्नोलॉजी और चल रही है, क्या है वो, जिसे मैंने अपना नाम दिया वायरलेस एक्सेस पॉइंट टोपोलॉजी। क्या होता है, सेंट्रलाइज एक डिवाइस लगता है जिसको कहते हैं एपी एक्सेस पॉइंट, उसके दो या दो से ज्यादा एंटीने होते हैं, और हम लोग यहाँ पे होते हैं वाया वाईफाई के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है। इस पे क्या कन्फिगर होता है, SSID, जिससे हम इसकी पहचान करते हैं कि किस नाम से है किस नाम से नहीं है, हमारी उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है, डेटा सेंड हो जाता है। क्या हो गया ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट टोपोलॉजी, पर अपने आप में क्या है, स्टार, ध्यान से देखो तो स्टार है, और इसमें वायर नहीं है, वायर नहीं है, ये वायर नहीं है, वायरलेस है, ये वायरलेस है, ध्यान रखना, ये मैंने वैसे ही बताया वायरलेस है। ऐसी एक और टोपोलॉजी है मेरी बनाई हुई, उसका नाम है एडहॉक टोपोलॉजी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास एक मोबाइल है, आपने शेरिड डाल लिया, वहाँ पे दूसरे मोबाइल के अंदर शेरिड डाल लिया, वाया शेरिड के थ्रू आप एक दूसरे को फाइल भेज दो, क्या हुआ, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नहीं चाहिए, कम्युनिकेशन हो गया, खत्म खत्म। ये क्या है, ये भी अपने आप में टोपोलॉजी है, एडहॉक टोपोलॉजी, इसे एडहॉक बोलते हैं, इसमें एक्सेस पॉइंट नहीं होता। तो दीज आर योर टोपोलॉजीज, मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जिसका नाम है डिवाइसेस, मंडे को हम लोग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है, कोई डाउट कुछ पूछना चाहते हो, हाइब्रिड मतलब व्हेन यू कनेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी टुगेदर इज नोन एज हाइब्रिड, मल्टीपल टोपोलॉजी को आपस में जोड़ना हाइब्रिड, ठीक है जी, क्लियर है, कुछ डाउट सर, जो स्टार टोपोलॉजी उसमें ये कम्युनिकेशन, जैसे अगर किसी को डेटा सेंड करना तो वो सारे पीसीज को, ना 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 ना, वो डिवाइस पे डिपेंड करेगा सर आपके, अगर आपने हब लगाया है तो सब पे जाएगा, अगर आपने स्विच लगाया है तो भाई सर यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट भी हो सकता है, ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है, ये डिवाइस पे डिपेंड करता है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन डिवाइस, सेंटर में जो डिवाइस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी, बंद कर लो सर, ठीक है ना जी। आज के लिए ये करते हैं, मल्ले को मैं आपसे लोगों से एक ऑटोग्राफ ले लूँगा हमारे।